नमस्ते, ललन टॉप की चुनावी टीम इस वक्त भागलपुर के सैंडिस पार्क में है, सैंडिस कंपाउंड में है। और ये जो पार्क है इसका एक धोनी के साथ कनेक्शन है। धोनी को चाहने वाले, उन्हें पसंद करने वाले, वो उनको एक फैक्ट बताएंगे धोनी से जुड़ा, जब वो बहुत पॉपुलर नहीं हुए थे उन दिनों से जुड़ा। बाद में ये हमारे साथ भागलपुर के कुछ युवा हैं, हम इनसे बात करेंगे, इनके इलाके की दिक्कत, परेशानियाँ, पॉलिटिक्स और बाकी चीज़ों के बारे में ये क्या सोचते हैं। उससे पहले, इस बातचीत को शुरू करने से पहले, आपको थोड़ा सा यहाँ की जो चुनावी इस बार मुकाबला है उसके जो 3-4 बड़े खिलाड़ी हैं उनके बारे में बता देते हैं। यहाँ से 2015 में चुनाव जीता था कांग्रेस के प्रत्याशी अजीत शर्मा ने, वो अभिनेत्री हैं नेहा शर्मा, उनके पिता हैं, और प्रचार करने के लिए भी आती है ना वो अपने पिता का। और मैंने सुना कि भागलपुर के युवा बड़े उत्साहित होते हैं जब नेहा शर्मा आती हैं। अच्छा, उत्साहित है। और बीजेपी की सीट पर यहाँ से खड़े हैं रोहित पांडे, और यहाँ लोजपा ने कहा था कि वो बीजेपी के सामने अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी, लेकिन भागलपुर की सीट ऐसी सीट है जहाँ लोजपा ने अपने प्रत्याशी को उतारा है। उनका नाम है, पूर्व मेयर हैं आपके, डेप्यूटी मेयर राजेश वर्मा जी, ठीक है। इन सबके बारे में भी बात करेंगे, आप बताइए, धोनी से शुरू करें, उनके बारे क्या है इसकी हिस्ट्री? ये उन दिनों की बात है जब धोनी का टीम इंडिया में सिलेक्शन भी नहीं हुआ था। सिलेक्शन से कुछ वक्त पहले की बात है जब धोनी फिल्म में भी दिखाया गया है, बहुत जगह टूर्नामेंट खेलने जाते थे, तो उसी दौरान वो भागलपुर आए थे। सद्भावना कप के दौरान उन्होंने यहाँ सैंडिस में बल्लेबाजी में 6 बॉल पर 6 छक्के मारे थे, और वो उसके बाद फिर उनका इंडियन टीम में सिलेक्शन हो गया, फिर उन्होंने बुलंदियों को छुआ। मतलब कौन सी टीम से मुकाबला था, कुछ याद है? वो तो हम लोग तो उस समय बहुत कहानियों में है, ये भागलपुर की वर्सेस रांची की टीम थी, सद्भावना कप का मैच हुआ था। अच्छा। तो उसमें धोनी आए थे, और उस दिन सैंडिस में इतनी भीड़ थी क्योंकि धोनी उतने मतलब फेमस भी नहीं थे, लेकिन लोगों को पता था कि वो लड़का बहुत मारता है, तो धोनी मार रहा है, माही मार रहा है, इसके लिए इतनी भीड़ थी यहाँ कि बाहर तक पूरी लाइन लगी हुई थी, और उन्होंने बहुत मार मारे थे, और इस वजह से पूरे फेमस हुए, और फिर उनका शायद अगले ही कुछ दिनों के बाद इंडियन टीम में सिलेक्शन हुआ। आप भागलपुर के हैं, धोनी की रांची टीम ने भागलपुर की टीम को हराया था, फिर भी आप लोग खुश हुए, मतलब ये आपकी यादगार का हिस्सा है? याद का ये हिस्सा है कि भागलपुर टीम हारी थी, पर धोनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, और धोनी के परफॉर्मेंस के बदौलत ये मतलब स्टेडियम जो है बहुत अच्छे तरीके से, मतलब बहुत लोग जानते हैं इस फील्ड के बारे में, और फिलहाल तो ये रसातल पर चला गया है। कोई रसातल पर माने, मतलब जिस हिसाब से अगर बिहार में स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहिए, जितनी क्षमताएं हैं उस हिसाब से यहाँ स्पोर्ट्स को प्रमोट नहीं किया जाता है। लोग यहाँ खेलने आते हैं, अभी भी आप देखेंगे धूप में सब पकड़े होंगे, लेकिन उनको आगे जाने का कोई स्कोप नहीं है स्पोर्ट्स में, वो यहीं तक रह जाते हैं। अगर उनको आगे खेलने उनमें क्षमता है तो उनको या तो रांची जाना पड़ता है या दूसरे स्टेट से खेलना पड़ता है। तो उस बिहार के उन्हें स्टेट चेंज करना पड़ा, ईशान किशन बिहार के जो खिलाड़ी हैं जो मुंबई इंडियंस में खेल रहे हैं वो बिहार के ही आते हैं, उन्हें अपना स्टेट चेंज करके अभी झारखंड में जाना पड़ा क्योंकि झारखंड को मान्यता है और स्टेट बिहार के स्टेट एसोसिएशन को मान्यता नहीं था। तो वही है कि बिहार में स्पोर्ट्स में स्पेशली क्रिकेट में जहाँ फ्यूचर है वहाँ स्कोप नहीं है, जिसके कारण प्लेयर्स को शिफ्ट करना पड़ता है। सौरभ तिवारी जो मुंबई इंडियंस के लिए फिलहाल खेल रहे हैं वो भी बिहार से ही, उनका भागलपुर से कनेक्शन है, पूर्णिया से कनेक्शन है, तो वो भी फिलहाल झारखंड की टीम से ही खेलते हैं। तो बिहार के जितने भी बड़े प्लेयर हैं या तो वहाँ तक उस लेवल तक पहुँच नहीं पाते हैं, जो उस लेवल तक पहुँचते हैं उन्हें स्टेट चेंज करना पड़ता है ताकि नेम और फेम आए, तो उस वजह से वो बिहार में स्पोर्ट्स का हाल बहुत ही बुरा है। जिन सुविधाओं की आप बात कर रहे हैं उनकी राह पॉलिटिक्स से होकर निकलती है ना, स्पोर्ट्स का जो है ना राजनीतिकरण हुआ पड़ा है, नहीं बाकी चीज़ें भी जैसे दिक्कतें हैं ये सारी। हाँ, ये स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स पूरी तरह से राजनीतिकरण पे बेस्ड है यहाँ पे। अगर राजनीति हावी है तो कहीं भी स्पोर्ट्स या किसी भी क्षेत्र में वो आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि वो वहाँ पे फिर पैरवी वाली बात चलती है, और जिनकी क्षमता नहीं है, जिनके पास राजनीतिक जिनके पास क्षमता ज़्यादा है या जिनके पास शक्ति ज़्यादा है तो वो आगे बढ़ते हैं। इस वजह से लोग को यहाँ से पलायन करके दूसरे राज्य में खेलने जाना पड़ता है। तेजस्वी यादव को कभी खेलते हुए देखा? वो भी तो क्रिकेट खेलते थे ना। तेजस्वी यादव चुने गए थे दिल्ली डेयरडेविल्स से, लेकिन वो खेले नहीं थे अनफॉर्चुनेटली, पर ऐसा पता चलता है कि वो अच्छे प्लेयर थे। अच्छे प्लेयर थे। अब पॉलिटिक्स में आ गए, बताइए थोड़ा, पॉलिटिक्स से ही शुरू करते हैं।
पहले भागलपुर के बारे में बताइएगा आप अपने दर्शकों को, हमारे देखने वालों को, भागलपुर शहर की पहचान के बारे में, यहाँ की दिक्कतों परेशानियों के बारे में बताइए, या पहले बिहार की पॉलिटिक्स से शुरू करें? बिहार से शुरू करते हैं, भागलपुर से कहीं से। बताइए अपने प्रत्याशियों के बारे में, पिछले कार्यकाल में कैसा काम किया अजीत शर्मा ने? देखिए इससे पिछले टर्म में वो जीते थे, और उससे पिछले टर्म में जब अश्विनी चौबे यहाँ से बक्सर चले गए थे तो एक साल का कार्यकाल था, उसमें भी वो जीते थे। उन्होंने जिन जिन वादों को उठाया था, जनता की जो जो मांग थी, उसको इन 6 सालों में कोई कुछ भी पूरा नहीं किया उन्होंने, कुछ भी पूरा नहीं। क्या वादे? कोई एग्जाम्पल बताता हूँ। एक शहर, ये जो भागलपुर शहर है ना, उसका छोटा सा एक मुद्दा है, भोलानाथ पुल है यहाँ पे, ठीक है। उसमें अगर भागलपुर में आधे घंटे की बारिश हो जाए तो पूरा दक्षिणी बिहार जो है ना, इतना ड्रेनेज सिस्टम ख़राब है कि पूरे दक्षिणी बिहार, दक्षिणी भागलपुर जो है वो पूरी तरह से पानी में डूब जाता है। उनके घर से 500 मीटर की दूरी पे भी नहीं है भोलानाथ पुल। पिछले टर्म में भी वादा किए थे कि बनेगा, उसके पहले वाले टर्म में भी वादा किए थे कि मैं आऊँगा तो बनेगा, और इस बार वो फिर प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं आऊँगा तो प्रयास करूँगा बनाने का, प्रयास करूँगा। और कायदे से 4 सालों में 5 सालों में कोई भी काम नहीं हुआ उनके थ्रू, तो कोई काम नहीं हुआ। हमने देखा है भोलानाथ पुल जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो नीचे गहराई का इलाका है, ऊपर पुल है, और हमें पता भागलपुर की जो है ना, भागलपुर की कई सालों से मांग है कि एक छोटा सा पुल है उसको बना दिया जाए। ना सेंट्रल गवर्नमेंट ध्यान देती है, ना स्टेट गवर्नमेंट ध्यान देती है, और हमारे यहाँ के जो लोकल लीडर हैं ना, वो ध्यान देते हैं। चुनाव के समय वो मुद्दा रहता है, बाकी पूरे 5 साल वो जनता की मांग रहती है, चुनाव के समय वो मुद्दा रहता है, पूरा नहीं होता है। अच्छा, और बाकी जो प्रत्याशी हैं, जैसे रोहित पांडे, ठीक है, बीजेपी के प्रत्याशी, उनके बारे में बताइए। रोहित पांडे, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें बहुत कम लोग जानते हैं भागलपुर में। मतलब भाजपा में और कई कद्दावर नेता थे जो पार्टी के लिए काम किए, पर ये रोहित पांडे हम लोगों के लिए एक नया चेहरा है, तो मुझे लगता है कि उसके जगह लोजपा के राजेश वर्मा भारी पड़ सकते हैं। लोजपा के राजेश वर्मा, राजेश वर्मा डिप्टी मेयर वो है, तो कैसा कामकाज रहा था उनका, कैसा बैकग्राउंड है? व्यवसायी हैं, कई सारे होटल भी हैं उनके, शायद बन रहा है, स्वर्ण व्यवसायी हैं वो, मतलब उनका सोने का यहाँ पे उनका बड़ा सा जो है दुकान है। तो डिप्टी, एज ए डिप्टी मेयर सोशल मीडिया पर उन्होंने बहुत काम किया है, बट ऐसे अगर शहर में रियल देखा जाए तो ग्राउंड पे तो वैसा काम नहीं दिखता है, पर वो सोशल मीडिया पे हर छोटे से छोटे काम को सोशल मीडिया पे दिखाते हैं कि ये इतना बड़ा काम है। पर हम लोग जब लॉकडाउन में 6 महीने से घर पे हैं और घूम रहे हैं, देख रहे हैं, नगर निगम का जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हुआ है। जब बारिश में नाले के पानी को ये लोग क्या करते हैं, उससे निकालते हैं, उसके मिट्टी को बाहर, और बारिश के टाइम में निकालते हैं कि फिर वो वापस बह के उसी में चला जाए, ये नहीं कि उसको निकाल के हम उसको बाहर में कहीं पे डंप करें। मतलब हम अगर देखेंगे ना यहाँ पे तो डस्ट, मतलब रोड पे निकलते हैं टू व्हीलर से, तो हमको तो मतलब हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अगर ऐसे जाते हैं बिना हेलमेट के, अगर ऐसे वॉक भी करें तो। कम्पेयर टू अदर, बिना हेलमेट के जाएंगे ही क्यों, मतलब बिना हेलमेट के वॉक पे करें तो। अच्छा, वॉक पे तो हम प्रेफर नहीं करते हैं, मतलब बिकॉज कि वो निकालते हैं नाला से और वो वहीं छोड़ देते हैं, उनका उठाते नहीं, वो सूख करके हवा में उड़ जाता है और बारिश ऐसा ही होता हुई है। तो वापस नाले में जाएगा, नहीं बारिश हुई तो सूख के गर्दा उड़ेगा। अच्छा, बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होते हैं, पर यहाँ के लोगों को कॉमन लगता है, मतलब ये चीज़ कॉमन, हेल्थ के साथ तो मेरा बड़ा वास्ता पड़ा है आपके भागलपुर शहर के साथ। मेरा जाना हुआ था वो मायागंज में, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, पूर्वी बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है। इधर का जो है ना, दक्षिणी जो बिहार है उसका 4-5 डिस्ट्रिक्ट को वो कवर करता है। बांका में एक भी अस्पताल नहीं है बड़ा, वो सब भी यहाँ आते हैं। गोड्डा के लोग भी यहीं आना प्रेफर करते हैं, ये इस जोन का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, और वहाँ का आप खुद ही डिस्क्राइब करेंगे वहाँ की क्या हुआ, गई गुजरी हुई है, मतलब आज से नहीं है, बहुत सालों से हॉस्पिटल चल रहा है। अगर धीरे कम से कम अगर बिहार की पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन तो बढ़ते जा रहा है, तो उस हिसाब से उनको सीट भी तो रखनी चाहिए, ICU में बेड रखनी चाहिए, लेकिन ICU की इतनी बदतर स्थिति है। और हमारे जो वित्त मंत्री ये सुशील मोदी हैं, वो जा कर के वहाँ विधानसभा में बोलते हैं कि हम रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है, रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है, उनका क्या फ़ायदा अगर हमारे यहाँ ये स्थिति हॉस्पिटल की, हमारे SKMCH में बच्चे चमकी बुखार से मर जाते हैं 100-150 लोग, तो हम रेवेन्यू सरप्लस होके क्या करेंगे, क्या फ़ायदा रेवेन्यू सरप्लस होके अगर हम अपने हॉस्पिटल को सही से नहीं ठीक कर पाते हैं। सबसे बड़ी विनम्रता हमारे सर की ये है कि हमारे यहाँ से जब अश्विनी चौबे जो है जब MLA थे तो वो राज्य में जो है स्वास्थ्य मंत्री थे,
और अभी जो है वो केंद्र में राज्य स्वास्थ्य मंत्री है, उसके बाद शहर के हॉस्पिटल का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है उसका सरकारी हॉस्पिटल का ये हालत है, और वो उनके लड़के का राजनीति यहाँ करते हैं, टिकट की दावेदारी करते हैं। मुझे ये नहीं समझ आता किस आधार पर करते हैं, जब आप स्वास्थ्य राज्य मंत्री केंद्र में राज्य मंत्री स्वास्थ्य के विभाग में रहते हुए उनके शहर का ये हालत है। तो हमको लोगों ने बताया कि वहाँ जो है मायागंज, एक्चुअली मायागंज हॉस्पिटल इसलिए बोलते हैं कि वो जिस जगह पर है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, वो मायागंज में, इसीलिए पूरा शहर उसको मायागंज हॉस्पिटल बोलता है। हम लोकेलिटी की वजह से हमको पता चला कि वहाँ पर कोई नहीं जाता। एक कल एक प्राइवेट नर्सिंग होम में गए थे हम, ज़रूरत पड़ी थी तो इसलिए गए थे। वहाँ पर एक गरीब, काफ़ी गरीब स्थिति में, मतलब वो देखकर पता चल रहा था उनकी आर्थिक स्थिति, तो उनसे पूछा, उनकी दीदी थी, उनको पानी चढ़ रहा था, तो पूछा कि वहाँ नहीं गए, तो बोला अरे वहाँ क्यों जाएंगे, वहाँ जाके मरना है। तो यही स्थिति है, स्वास्थ्य हमारा बुनियादी अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है, स्वास्थ्य हमको मिलना चाहिए। लेकिन जो अंत्योदय पर खड़े हैं ना, जो सबसे अंत्योदय पर खड़े हैं, वो भी मजबूरी में उस हॉस्पिटल में जाते हैं क्योंकि उनके पास आर्थिक स्थिति नहीं है उतनी अच्छी कि वो प्राइवेट में। थोड़ा तस्वीर खींचिएगा क्या हमारे सामने, लोगों के सामने, किस तरीके का वो है, कैसी? बिल्कुल मैम, यहाँ पे तो इसलिए हम लोग को ख़राब लगता है ना कि शाहनवाज हुसैन हो, चाहे सुनील चौबे हो, कई बड़े बड़े नेता, सुशील मोदी खुद 2004 में यहाँ से, कई बड़े नेता यहाँ से केंद्र में राज्य में हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ की स्थिति इतनी ख़राब है। कोविड का मैं बता रहा, कोविड में सिचुएशन ये थी कि लोगों को, हमारी जानकारी में जो जान पहचान के थे उनको यहाँ पे जो मायागंज में जो कोविड सेंटर था वहाँ पे अंदर में एक रूम में लॉक कर दिया जाता था। आपको खाना जो 2 टाइम 3 टाइम है वो गेट के अंदर से फेंक के दिया गया और कोई डॉक्टर देखने वाला नहीं आता था। एक टाइम किसी टाइम में 2 दिन 1 दिन में आए और हो गया। 2 से 3 दिन में जाँच यहाँ से पटना जाती थी और उसके तो काफ़ी टाइम होने के बाद यहाँ पर जाँच शुरू हुई। उसके बाद जाँच शुरू होने के बाद अभी की स्थिति ये है कि अगर आप अभी जा रहे हैं तो उसमें ज़्यादातर चांस ये है कि आप कोविड पॉजिटिव होकर निकलेंगे वहाँ से। और कोविड में कई सारे ऐसे पेशेंट थे जो ऑक्सीजन की कमी से मर गए। सुनील मर गए, एक दो वीडियो भी वायरल हो रखा था कि वो ऑक्सीजन की कमी से मरे हैं क्योंकि ऑक्सीजन नहीं था, और जो जिनके वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो लेने के लिए तैयार नहीं थे। डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ जितने भी थे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं थे। सबसे बड़ी बात होती है कि ये लोग जो जांच टीम बैठाते हैं उसमें भी वहीं के डॉक्टर होते हैं और जांच के बाद बता देते हैं कि नहीं, कोई कुछ नहीं है, ये कोई और कारण से। आपका कहना है कि लापरवाही से मतलब कई जाने चली गई लेकिन फिर जांच हुई वहाँ पर अस्पताल के स्तर पर और उस पर लीपापोती हुई। आज के न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा, आज के न्यूज़पेपर अगर आप लोकल न्यूज़ देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि यहाँ के किसी चतुर्वर्गीय कर्मचारी ने, मतलब मायागंज के इसी हॉस्पिटल के एक चतुर्वर्ग कर्मचारी ने गलत पॉजिटिव रिपोर्ट बनाकर किसी और को दिया है। आज के न्यूज़पेपर में मैंने आज सुबह सुबह पढ़कर आया। और ये बड़े लेवल पे आपको यहाँ पे आम पे भी होती है, पर वो बड़े पे किन्हीं पे कार्रवाई नहीं होती। वो जो छोटा कर्मचारी है वो सस्पेंड हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, पर किसी भी बड़े पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। जितने हमारे जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं मायागंज हॉस्पिटल के, सब ने प्राइवेट नर्सिंग होम खोल के रखा है और वो वहाँ पर जितने कम से कम समय जो इनको यहाँ देना चाहिए वो सरकारी अस्पताल में कम से कम समय देते हैं और अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़्यादा से ज़्यादा समय देते हैं, और जितने ज़्यादा फी हो सके वो फी लेते हैं और सही से पेशेंट को उसके बाद भी नहीं देखते हैं। मतलब भागलपुर में अगर आप सीरियस पेशेंट हैं तो आप अपने बचने का नहीं सोच सकते, उम्मीद नहीं है आपके पास कि आप बचेंगे, क्योंकि ये प्राइवेट वाला तुरंत आपको मायागंज रेफर कर देंगे। लास्ट टाइम में पैसा तो पूरा लेंगे, लास्ट टाइम में मायागंज रेफर कर देंगे, और मायागंज में तो जाने का मतलब है कि आप अपने जान से हाथ धो रहे हैं। ये स्थिति है। हाँ, मैं कह रहा था कि जून जुलाई के महीने पर महीने में बिहार में कोरोना सबसे अपने पीक पर था। उस टाइम पे बिहार में हालात ये थे कि एक केस आया था हमारे, आप अगर देखेंगे आत्माराम मेडिकल के सामने एक डेड बॉडी जो बाद में मृत पाया गया था, वो ललन टॉप के शो में सौरभ द्विवेदी सर ने भी उसको कवर किया था। वो एक डेड बॉडी कोई उठाने तक नहीं आया था, बाद में डिप्टी मेयर जो हमारे राजेश वर्मा जो इस पर खड़े हुए हैं वो गए थे वहाँ पर, उन्होंने अपने निजी स्तर पर और जिस स्तर पर भी उन्होंने उठवाया। हमारे यहाँ ये सुविधा ये था हालात कि जिनको कोई लक्षण भी है अगर वो चाहें भी तो अपने टेस्ट करवाना या कुछ करवाना, उन्होंने कोई ऐसी सुविधा नहीं थी कि जो अपना टेस्ट करवा सके। मुझे लगता है कि हमारे शहर में जितने लोग हैं कई लोग खुद से हुए हैं बीमार और खुद से वो ठीक हो गए हैं, उनको जो बचे वो बच गए और किस्मत थी, और जो नहीं बच पाए वो चले गए। हमारे यहाँ ऐसा केस हुआ है बिहार में, और ख़ासकर आप ये समझिए कि बिहार में कोरोना को लेकर अभी जो टेस्टिंग भी हो रही है वो पहले, एक तो हमारे यहाँ शुरू में बहुत कम टेस्टिंग हो रही थी, RT-PCR टेस्ट में बहुत कम टेस्टिंग हो रही थी, बिहार का सबसे कम था। फिर बाद में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आह्वान किया कि बिहार को अपनी टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए, तो उसके बाद एक आया एंटीजन टेस्टिंग जो आपको 15 मिनट में दे सकता है। उसके में आपको कितना फास्ट वो और कितना करेक्ट है उसका मेजरिंग वो अपने आप में क्वेश्चनेबल है, लेकिन हमारे बिहार में जितनी टेस्टिंग हुई है, मैंने भी एक बार वॉलंटियरली जाके अपना टेस्टिंग
टेस्टिंग करवाया जो मेरा निगेटिव आया, लेकिन जितनी भी टेस्टिंग हुई वो एक मान नहीं सकते हैं कि वो रिलायबल है आपका निगेटिव अगर आ रहा है तो, क्योंकि ICMR की टेस्ट गाइडलाइंस कहती है कि अगर कोई निगेटिव आता है तो उसके बाद आपको फिर से एक बार आप RT-PCR से टेस्ट कराएं, तब आप उसको माने कि हाँ वो निगेटिव है। आप उसको नहीं मान सकते कि वो निगेटिव है, लेकिन बिहार में जितनी टेस्टिंग हुई है अगर आप दिखा रहे हैं कि 1 लाख या 1.5 लाख टेस्टिंग हो रही है तो वो आपकी एंटीजन से ही टेस्टिंग हो रही है जो रिलायबल नहीं है। फिलहाल बिहार का हालत ये है भागलपुर के कि अभी 2 जगह भागलपुर में खुले थे आपके स्टॉल लगा के जहाँ पर टेस्टिंग हो रही थी। फिलहाल न्यूज़पेपर में एक दिन पढ़ा था कि वहाँ सत्तू की दुकान खुल गई है, वो न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था कि वहाँ पर टेस्टिंग बढ़ते जा रही है और न्यूज़पेपर में आया था कि जो एंटीजन टेस्ट वाली बल बिल्कुल यहीं पे है, उसके जो काउंटर जहाँ पे था उस पर सत्तू की दुकान खुल गई। इतनी संवेदनहीनता है प्रशासन की और सरकार की, और कोरोना केस खत्म नहीं हो रहा, बढ़ते जा रहा है। तो आप लोग इलेक्शन के टाइम में, आप कुछ और कहना था अभी आपको? बाकी नहीं, मैं ऐड कर चुका हूँ, कोरोना के लिए सरकार ने लोगों को अपने लेवल पे छोड़ दिया है कि आपको जो करना है करें, सरकार कुछ कर नहीं सकती, कोरोना का कोई इलाज नहीं है। आप खुद से अगर बच गए तो आपकी किस्मत, नहीं बच पाए तो हमें खेद है, आप उन लोगों में गिने जाएंगे, आपको याद किया जाएगा। वैसा ही हाल है कोरोना को लेकर। फिलहाल स्वास्थ्य में तो स्थिति क्या है बिहार की, मेरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि बिहार में एक मायागंज हॉस्पिटल जो है वो एक हब है, आपका पूरे अच्छे खासे डिस्ट्रिक्ट को मैनेज करता है, वर्कलोड भी ज़्यादा है लेवल, वहाँ पे जो परेशानियाँ हैं वो हैं, वर्कलोड भी ज़्यादा है। क्या बिहार में और जगह और ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है कि आपका कोई बड़ा अस्पताल हो बिहार में, भागलपुर में, या फिर अपने आसपास जगह हैं जो भीड़ यहाँ आती है, जो लोग आते हैं वो जेन्युइन तरीके से, जिस तरह आप दिल्ली में देखेंगे एम्स में अच्छे खासे लोग पहुँचते हैं, तो लोगों ने एम्स की संख्या बढ़ानी शुरू की, सरकार ने अब कई जगह एम्स खुल रहे हैं, उसी तरह आपको बिहार में भी हो सकता है कि आपको भागलपुर में एक अच्छे हॉस्पिटल हो, उसके अलावा आपको भागलपुर के पास भी ऐसे ढंग के हॉस्पिटल हों कि लोगों को हर बात के लिए मायागंज जाने की जरूरत न पड़े। वरना ऐसा होता है कि मान लीजिए अगर कोई हुआ आएगा 4 घंटे वो ट्रैवल करके आ रहा है तो आपके आने तक में ही आपका बहुत कुछ चीज़ें हो जाया करती हैं, जो आपको फर्स्ट एड, अगर आपको फर्स्ट एड मिल जाए वहाँ पे, सही से सुविधाएं मिल जाए शुरू में, तो कहीं जाने भी बच सकते हैं। सड़कें भी तो ऐसी हैं ना कि 30 किलोमीटर में आदमी को 1.5 घंटा 2 घंटे का सफर लग वक्त लग रहा है। वो वन वे है यहाँ पे, तो जैसे मैं कुछ रूट जो है वो आपके, जैसे आप आ रहे हैं कहलगांव वाले रूट जो है, मिर्जा चौकी वाला रूट, वो रोड सड़क में कुछ खराबियां हैं NH में, अभी भी खराबियां हैं पर नहीं बताया कि, लेकिन यहां पहले से अगर आप कंपेयर करेंगे तो एक जमाना जो हम लोग सुनते आ रहे हैं और जो अभी देखते आ रहे हैं पहले से बहुत बेहतर है सड़क, उस पर कोई इनकार नहीं है, लेकिन बेहतर की गुंजाइश हमेशा रहती है कि आप उससे और भी बेहतर कर सकते हैं, सिर्फ आप उस तक ही आप सीमित। हम युवा को भी आगे आना, आगे मतलब सवाल करना होगा कि ये रोड नाला सड़क इससे कब तक चलेगा। सब लोग जब चुनाव आते हैं तो रोड नाला ये करते हैं, हमें लगता है कि हमें स्वास्थ्य और शिक्षा इस पे भी ज़रूरी है, क्योंकि जो हालात हैं यहाँ पे स्वास्थ्य के और शिक्षा के दोनों निचले स्तर पे हैं। शिक्षा में आप बात करेंगे तो शिक्षा में यहाँ पे 3 साल का कोर्स 5 साल में पूरा होता है, जो सबसे ख़राब यहाँ पे जो है हमारी जो बहन पढ़ती हैं, जो भाई पढ़ते हैं, इस कारण से हमें भी यहाँ से जो है BHU जाना पड़ा कि यहाँ पे 3 साल का कोर्स वो 5 साल में। आप सब बिहार से बाहर पढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल, हम लोग सब बाहर पढ़ रहे हैं। हमारा, मैं आपको बताता हूँ मैम, सबसे पहले शिक्षा पर शुरू करते हैं, प्राथमिक शिक्षा से। प्राथमिक शिक्षा में ये है, सबसे पहले तो मैम मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती है कि सभी लोग दलील देते हैं कि हिंदी मीडियम अगर है तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, वो पढ़नी चाहिए। जितने सरकारी अफसर हों या नेता हों इस बात की दलील देते हैं, लेकिन जब खुद के बच्चों को पढ़ाने की बात आती है तो वो अंग्रेजी मीडियम और कॉन्वेंट स्कूल में जाना प्रेफर करते हैं। तो अगर आप हिंदी के लिए इतने ही जुझारू हों तो क्यों नहीं आप अपने ही बच्चों को उन स्कूल में भेजते हैं। दूसरी बात यह है कि आज सरकारी स्कूलों की जो हालात हैं, वहाँ के जो टीचर्स हैं वो या तो उनकी एलिजिबिलिटी, वो कितने सक्षम हैं, वो किस तरह से रिक्रूटमेंट होती है, मैं उस पर सवाल फिलहाल नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन आप वो संदेहास्पद तो है कि किस तरह से टीचर्स को रिक्रूट किया जाता है। कई जगहों पर शिकायत मिली है शिक्षकों की योग्यता को लेकर, वीडियोज भी बहुत ज़्यादा वायरल हुए हैं कि शिक्षक कितने हैं वो पढ़ा नहीं पाते, वो ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं, क्लास 8 के टीचर्स हैं। आप बोल लीजिए। वो तो है, उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी स्कूल में वैसा नहीं है। हम कई सारे स्कूल में गए हैं जहाँ पे बेंच नहीं है बच्चों को बैठने के लिए। लेकिन साल लोकसभा चुनाव के दौरान हम मोतिहारी के साइड ना, हमने कुछ स्कूलों में गए, वो ऐसा ही था जैसे आज से 50 साल पहले की स्थिति होगी, नीचे बोरी पट्टी पे बच्चा बैठा। तो यहाँ भी यही हाल है, स्कूल के नाम पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मिड डे मील के नाम पे कुछ बच्चे जाते हैं, टीचर्स को कोई मतलब नहीं है पढ़ाने से। सही बात है ये, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट ने कोई ध्यान नहीं दिया। हमको 15 साल मिला था, नीतीश कुमार को 15 साल मिला था,
आपको कम से कम बिहार के लोगों को बुनियादी सुविधाएं तो मुहैया कराना चाहिए, जिसके लिए वो पलायन करते हैं, वो बुनियादी सुविधा आप मुहैया ही नहीं करा पाए। वो कहते हैं कि जैसे JDU है, देखिए कुछ चीज़ें तो हमें भी नज़र आई कि हमें बिजली की स्थिति बेहतर नज़र आई है ना। नीतीश, इसमें कोई डाउट नहीं है कि नीतीश कुमार ने बहुत सारी चेंजेस लाई है, बिजली आ गई है, लोग सड़क बन गई है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत कुछ हुआ है। इवन वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अभी करंट में कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जितना बेहतर काम बिहार में हुआ है, ये बात नीतीश कुमार की माननी पड़ेगी। लेकिन सिर्फ इससे तो काम नहीं चलेगा ना, हमको अपने बुनियादी सुविधाएं भी तो चाहिए, हमको पलायन करना पड़ता है। इस बार कोरोना के काल में कितना बड़ा पलायन का मुद्दा उठा, लेकिन उसके लिए कोई, कल नीतीश कुमार का ये बयान था कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री डेवलप ही नहीं हो सकती, आपके अंदर विल पावर होगी तब ना डेवलप। सुशील मोदी जी कि हमारे यहाँ तो ये भी कहा था कि अगर इस बार हमें मौका मिला तो देश के लोगों, बिहार के लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर उन्हें फिर से मौका मिला तो। मतलब 15 साल से वो बिहार के, ऑलमोस्ट 15 साल से उप मुख्यमंत्री हैं और उनकी भी उतनी ही लायबिलिटी बनती है जितनी श्री नीतीश कुमार जी की बनती है। लेकिन उनका कहना है कि, खैर नीतीश कुमार जी ने ये कहा कि बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है और बिहार में इंडस्ट्री अब आ नहीं सकती। तो अगर बिहार में इंडस्ट्री आ नहीं सकती, आप मानते हैं कि अब आपसे और पॉसिबल नहीं है? चिराग पासवान जी ने एक टर्म यूज़ किया था कि आपका सेचुरेशन लेवल, नीतीश कुमार ने नो डाउट बहुत काम किया है उसमें कोई ये नहीं है, लेकिन अच्छे अब जो है वो उनके अपने सेचुरेशन लेवल को टच कर चुके हैं कि उनके पास अब और कुछ एक्स्ट्रा विजन नहीं है। एक ग्लास नमक में एक ग्लास पानी में जितना नमक घुलना था वो नमक घुल चुका है। अब और बेहतर उनके पास अगर आइडियाज होते हैं, अब फिलहाल वो वहीं सात निश्चय जिसमें नाला और वो चापाकल की बात करते हैं, बिहार अब उससे ऊपर जा चुका है। बिहार को बेहतर स्वास्थ्य चाहिए, बेहतर शिक्षा चाहिए, बेहतर टूरिज्म के क्षेत्र में बिहार में कितना काम हो सकता है, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में कितना काम हो सकता है, आपका पलायन रुक सकता है। तो मेरा वही कहना है कि बिहार में इस, आपके पास और भी बहुत कार्य हैं करने के लिए, आप अपने आप को अगर सोचेंगे नहीं, अपना विजन ही बड़ा नहीं करेंगे तो आप फिर राज्य के लिए हम आपसे क्या उम्मीद रखें कि आपके पास क्या विजन है? रोजगार के लिए गवर्नमेंट कह रही है कि हम ये इनिशिएटिव ले रहे हैं, वो इनिशिएटिव ले रहे हैं और स्वरोजगार को प्रोत्साहन दे रहे हैं। स्वरोजगार को क्या प्रोत्साहन दे रही है, कल आपने आपके ही चैनल पर देखा, मैंने ललन टॉप पर ही मुंगेर में एक लड़का अपनी व्यथा बताते हुए रोने लगा, अपना पेपर लेके आया था बैंक ऑफ इंडिया का, मैं देख रहा था वो। तो ये स्थिति है, वो तो गरीब तबका, और किसको ज़रूरत है रोज़गार की, उसी को है। अगर मिडिल क्लास फैमिली या गरीब, उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उसके लिए अगर आप लोन लेने जाते हैं, कुछ करने आते हैं, तो वहाँ पे प्रशासनिक भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, आपको सामने नहीं दिखेगा लेकिन भ्रष्टाचार है। इस वजह से वो अफसरशाही एक रियलिटी है और अफसरशाही पूरी तरह से उदासीन है, प्रशासनिक उदासीनता के कारण अफसरशाही उदासीन है पूरी तरह से इसका। आप जब कोरोना का वक्त चल रहा था, इतने सारे मजदूर बाहर से पलायन करके आए, मतलब पलायन करके तो गए थे, वापस लौट के रिवर्स लौट के आए, कोई पैदल चल के आ रहा है, कोई किसी चीज़ से जो जिसको जैसा मिल रहा है आ रहा है, आप लोग कहाँ थे उस वक्त जब ये खबरें पढ़ रहे थे? क्या लौट के भागलपुर आ चुके थे या बाहर जहाँ पढ़ते हैं वहीं पर थे जब ये सारी खबरें आती थी और बिहार से जुड़ी? मतलब जब देखो तब गरीबी का ही चेहरा, जब देखो तब बदहाली का ही चेहरा, इस तरीके की जब खबरें आ रही थी तो कैसा महसूस करते थे? मैं उस वक्त मुंबई में था, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर से हूँ तो वहाँ पे मैं जॉब कर रहा था। तो मज़दूर तो मुश्किल से आ रहे थे, मैं एक ठीक है, मेरी सैलरी अच्छी है, मैं आ सकता था घर, पर मैं नहीं आ सकता था क्योंकि मुंबई से भागलपुर आने के लिए आपको या तो ट्रेन से आना पड़ेगा जो कि बंद था, और जब हवाई सेवा चालू भी हो गई तब भी आपको पटना या फिर कलकत्ता ऐसे शहरों में उतर के वहाँ से ट्रेन या फिर गाड़ी से आना पड़ता। इस कारण से मैं 17 जून तक वहीं पे था। अगर आप मज़दूर की बात करें तो मज़दूर तो इन सेवाओं का उपयोग कर ही नहीं सकता है, वो पैदल ही चल के आ रहा था। और मैंने देखा है मुंबई से जिस जगह पर मैं रहता था वहाँ पर आस पास काफ़ी ऑटो, क्योंकि मुंबई में ऑटो और टैक्सी बहुत ज़्यादा चलाते हैं, तो काफ़ी बिहार के और भागलपुर के काफ़ी ड्राइवर थे वहाँ पर। तो वो लोग अपने घर अपने परिवार के साथ जाना चाहते थे क्योंकि उनके पास अब कुछ है ही नहीं उनको पास देने के लिए। तो वो घर घर आ रहे हैं, हम लोगों से मदद मांग रहे हैं, और क्योंकि जब हम भागलपुर से हैं और कोई आदमी हमारे पास आता है मांगने के लिए, तो मैंने करीब करीब 8-9 लोगों को, क्योंकि सिर्फ पैसा से ही आप मदद कर सकते हैं और कोई चीज़ से मदद नहीं कर सकते हैं, तो उन चीज़ से मदद किया। पर वो लोग जिस तरीके से पैदल आए और जिस तरीके का उसमें न्यूज़ चल रहा था कि लोग 1800 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं या 1500 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, उसका कोई अर्थ नहीं बनता है, वो चीज़ को सुधारना पड़ेगा। हाँ। दूसरी चीज़ अगर इस पर हट के थोड़ा वो मैं जोड़ना चाहूँ तो आज भागलपुर में सरकारी एक कॉलेज बन चुका है जिसका नाम है IIIT भागलपुर, बट वहाँ से पढ़ के आपको कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पे हवाई अड्डा चालू नहीं है। और हर बार
जो भी लोग विधानसभा चुनाव या केंद्र से आते हैं लड़ाई। ट्रिपल आईटी का हवाई अड्डे से क्या कनेक्शन है ट्रिपल कॉलेज का? क्योंकि सिर्फ पढ़ाई से करने से कुछ नहीं होगा ना, आप पढ़ लेते हैं तो आपको प्लेसमेंट की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। सिर्फ आप बीटेक कर लेंगे किसी जगह से उसे कोई फायदा नहीं है। आज आप एक सरकार एक इंडस्ट्रीज नहीं है, कोई कंपनी यहाँ खोलने को तैयार नहीं है, माइग्रेशन ही सत्य बन गया है। तो वहाँ पे लोग एक तो एडमिशन लेना नहीं चाहते हैं, हम लोकल लोग हैं। आज मेरा छोटा भाई अगर एग्जाम देता है तो मैं नहीं चाहूँगा कि वो ट्रिपल आईटी भागलपुर से पढ़े, क्योंकि मुझे कोई स्कोप नहीं दिखता उसका आगे चल के। तो हवाई अड्डा तो बनना नहीं है। बाकी रविशंकर प्रसाद जी केंद्र में खड़े होकर बोल देते हैं कि यहाँ पे आईटी हब बनाएंगे हम, पर बना नहीं सकते क्योंकि जगह नहीं है पहली बात तो आपके, और आप बनाइएगा कैसे, आप कहाँ कीजिएगा? आप हवाई अड्डा चालू नहीं कर सकते क्योंकि हवाई अड्डा चालू करने के लिए जो एक रूल होता है वही फॉलो नहीं होता है। उसमें है कि 10 किलोमीटर के अंदर कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए। कितनी बिल्डिंग तोड़िएगा आप 10 किलोमीटर में हवाई अड्डे से 10 किलोमीटर का? आपके पास उपाय है? हाँ, मेरे पास मतलब ऑब्वियसली मेरे से ज़्यादा लोग बैठे हैं वहाँ पे, उनके पास और भी बेहतर उपाय होंगे। लेकिन भागलपुर से ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है देवघर, 80-90 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पर अभी एयरपोर्ट की सुविधा शुरू हुई है। वहाँ अगर 80-90 किलोमीटर की दूरी है तो आप उसके लिए एक ट्रेन चला सकते हैं चेयर कार में, जो आपको 2 घंटे में सफ़र करा दे। अगर आप वहाँ पर कोई भी फ्लाइट उतरती है और वहाँ से अगर आपको 2 घंटे में आप भागलपुर पहुँच जाते हैं तो ये एक टेम्प्रोरी सॉल्यूशन हो सकता है। ये कोई बहुत बड़ा, इसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज लाने की जरूरत नहीं है। एयरपोर्ट शुरू हो चुका है देवघर में और आपको बस ट्रेन कनेक्टिविटी हो, कनेक्टिविटी जो देवघर से जो भागलपुर है सिर्फ एक ट्रेन चलती है, सप्ताह में एक दिन चलती है। उसके अलावा आपके पास सिर्फ बस है, और बसेस का मैम ऐसा है कि अगर आपको 30 किलोमीटर जाना है तो आपको 3 घंटे लगते हैं। बस के ऐसे हैं, एक तो यहाँ पर बस जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बहुत स्लो चलता है, ट्रैफिक के साथ चलता है। दूसरा, लोग भी थोड़े ऐसे हैं कि वो मतलब आराम के साथ जाते हैं, लोगों को यहाँ टाइम का वैल्यू उतना नहीं है या फिर क्या है? नहीं नहीं, हम तो बहुत जल्दी में थे, हमारे पास इनोवा थी, हमको यहाँ से 60 किलोमीटर है ना मुंगेर। हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से 60 किलोमीटर है मुंगेर, वहाँ पे भी 3-3.5 घंटा लग जाता है, कभी 2.5 घंटा 3 घंटा। क्या बोल रहे थे? मैं बोल रहा था ये भागलपुर का जो हवाई अड्डा है ये 15 साल यहाँ से शाहनवाज हुसैन उड्डयन मंत्री जब थे वो नहीं बनवा। नाम बताएंगे अपना? रंजन कुमार, मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, बाहर में मैं काम करता हूँ दिल्ली में। तो अभी लॉकडाउन में यही 4 महीने से वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो एक्चुअली ये मैं बोल रहा हूँ कि मंत्री सब बन जाते हैं, अपना कोई काम नहीं करते हैं। यहाँ 15 साल वो उड्डयन मंत्री होके, जो कि एयरपोर्ट ये ऑलरेडी पहले अंग्रेज समय से पता नहीं कब से चल रहा है, उसको आप मेंटेनेंस करके नहीं चला सकते हो। अब देवघर का सिचुएशन दे रहे हो वो झारखंड में, और पटना ये बिहार का जो है आई थिंक भागलपुर उप राजधानी है, पटना के बाद भागलपुर ही है पॉपुलेशन में, और बाकी इंडस्ट्री जो भी है, हो सकता है मुजफ्फरपुर सेकेंड में बट थर्ड ये है। तो ये इतना जगह होते हुए, अच्छा जगह होते हुए भी आप एयरपोर्ट नहीं चालू कर पाए तो उड्डयन मंत्री होने का क्या मतलब? इसलिए वो हारे हैं, लास्ट टाइम वो यहाँ से नहीं लोकसभा जीते हैं। दूसरा, और जो मंत्री सब काम करते हैं, जैसे आप रोड बनवा रहे हो तो उनको क्या करना होता है, रोड बनवाते हैं पहले उसको नाला बनना चाहिए। आप इंजीनियरिंग परस्पेक्टिव सबसे आप सोचोगे, जब तक पानी का बहाव नहीं होगा तो पुल नहीं, रोड ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। तो वो जान के इसलिए नहीं करवाते हैं कि दोबारा कॉन्ट्रैक्ट निकलेगा, फिर अपने वो चेले चटिए को पैसा देंगे कॉन्ट्रैक्ट का, फिर रोड बनेगा 2 साल में। उसको ये नहीं, उनका मेंटलिटी होता है कि ये 10 साल रोड चले, उनका मेंटलिटी है कि ये 2 साल रोड चले, फिर वो पैसा हम लोग का जो टैक्स का पैसा है वो पब्लिक में उनको अपने चेले चटियों को देंगे, फिर रोड बनेगा और ये उनका प्रोसेस चलता रहेगा। उसके बाद मैं शिक्षा की बात करता हूँ। अभी गवर्नमेंट को ये जो चुनाव में वोट के लिए क्या करना था, एग्ज़ाम लेना था एस्टेट का, वो एस्टेट इस कोरोना के चक्कर में भागलपुर का पूरा स्टूडेंट को पटना भेज दिया, और रिजल्ट निकालने में उसको अभी टेंशन हो रही है, जो कि ऑनलाइन हुआ। एक बार डेटा चला गया टेबल में तो उसको 1 मिनट लगता है डेटा निकालने में, वो एग्ज़ाम लेने का इतना प्रिपरेशन कर सकता है 2-4 दिन में कोरोना में, बट रिजल्ट नहीं निकाल रहा है। क्यों नहीं रिजल्ट निकाल रहा है, इसका भी लॉजिक है। अगर वो अभी रिजल्ट निकाल देता है, 2 लाख भरे हैं, 10,000 रिजल्ट देंगे, 1 लाख और 90,000 जो है वो तो उससे डिसअपॉइंटमेंट हो गए, हाँ वो तो उसको वोट नहीं करेंगे। तो अभी अगर वो रिजल्ट भी निकालते हैं ना, वो ये मतलब हाँ, आपका कहना है कि ये भी मतदान की वजह से कि जो फेल हो जाएगा हाँ, वो वोट नहीं देगा। और अब अगर अभी ये रिजल्ट निकालेंगे भी तो वो नॉर्मलाइजेशन का कुछ प्रोसेस हम सुन रहे हैं, सबको पास करेंगे बट जॉब अभी नहीं देंगे, सबको खुश करेंगे वो, ठीक है। रिजल्ट जब उनका चुनाव हो जाएगा सब लोग तो खुश हो गए, मुझे पास कर दिया, बट जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद एक्चुअल में 10,000 को वो देंगे। जॉब की मैं बताता हूँ, बिहार सरकार SSC का एग्ज़ाम निकाली थी, बिहार SSC 2014 में निकला था। उस समय ये स्थिति थी कि बच्चे फॉर्म भरे, उसमें पूरी तरह से भ्रष्टाचार हुआ, सीटें बिक गई। एक बार एग्जाम भ्रष्टाचार कैसा? सीटें बिक गई थी, सारी सीटें बिक गई थी, एग्जाम थी ना कि सीटें बिक गई थी बहुत। कैसे बिकना मतलब? अच्छा, SSC से जुड़ा वाली, तो वो री एग्ज़ाम हुआ,
ठीक है, री एग्ज़ाम हुआ और अभी रिजल्ट आया था 4-5 महीने पहले उसका, और अभी उसका दोबारा एग्ज़ाम मेंस वाला एग्ज़ाम होने वाला है। 2014 का एग्ज़ाम था, 2020 आ गया, कितने बच्चे उसमें उलझे हुए हैं। प्रशासन को कोई मतलब नहीं, इलेक्शन हर 5 साल में होता है, तीसरे दिन रिजल्ट आया था। बच्चों की उदासीनता, बच्चों के बारे में कोई नहीं समझता। दूसरी बात एयरपोर्ट के बारे में बोले, एयरपोर्ट की स्थिति ये है यहाँ पे कि ये राजनीतिक मंच बना हुआ है एयरपोर्ट। अभी प्रधानमंत्री 23 तारीख को आएंगे, पिछले बार भी आए थे वहीं से, वहाँ मंच बना था एयरपोर्ट पर, वहाँ भाषण दिया था। इस बार भी आएंगे 23 तारीख को, वहाँ भाषण नहीं है। मोदी जी से बस दो ही चीज़ पूछना था हमको, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दो ही चीज़ पूछना था। पिछले बार आरा के रैली में उन्होंने कहा था कि मैं बिहार को 1,30,000 करोड़ दे रहा हूँ, बस उनसे इतना पूछना है, आपको आपने कितना दिया बिहार को और उससे बिहार में क्या डेवलपमेंट, उसका कुछ हिसाब किताब जेपी नड्डा दिए हैं ना, कुछ बोले हैं कि ये किया वो किया, जमीन पे कहाँ है, वो जमीन पे नहीं है ना। और दूसरा चीज़ ये है, मोदी जी से पूछना चाहते हैं, स्मार्ट सिटी के नाम पे भागलपुर के साथ जो मजाक किया है उन्होंने, बहुत भयानक। भागलपुर भी स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत एक शहर चुना, स्मार्ट सिटी के अंदर 100 करोड़। जी 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 जी, वेंकैया नायडू जी का जो स्मार्ट का कितना है, स्मार्ट हुआ है, कुछ स्मार्ट नहीं हुआ, हम लोग उम्मीद में रह गए 6 सालों में, कुछ स्मार्ट नहीं हुआ है। और आपको मैं बताता हूं, स्मार्ट गांव चले जाओ, अभी मैं गांव गया था, मतलब 10 साल के बाद मैं गांव देखने गया, वहां मैं देख रहा हूं कि जहां पे पानी की ज़रूरत नहीं है पीने वाली, खेत तक में वहां पाइप बिछ गया है, बट अभी भागलपुर में आप घूम जाओ पानी के लिए लोग भटक रहे हैं। भागलपुर में सिर्फ हर घर, उसके बाद आपको यहां बिजली का ये नहीं दिखेगा कि यहां पे बिजली का ये ट्रांसफार्मर है बगल में है, बट गांव चले जाओ हर एक 2-4 खेत के बाद एक ट्रांसफार्मर है, नया ट्रांसफार्मर है, उनको इससे मतलब नहीं है कि क्या सर्विस है, उनको सिर्फ वोट बैंक का, क्योंकि जो मेट्रो सिटी है, छोटे मोटे टाउन सब हैं, यहाँ से तो उनको पैसा मिल ही रहा, वोट मिल ही रहा है। गांव वाले को किसी तरह अपनी तरफ मोड़ना है तो उनको खुश करना है, चाहे वो जमीन के मामले में कि आपका फसल का इंश्योरेंस कर दिए, उसका पैसा उनको मिल रहा है, तो सिर्फ गाँव वाले को, अब गाँव वाले को खुश करना है। शहर वाले तो ऑलरेडी खुश हैं, इनका वोट मुझे मिल ही रहा है। अब एक्चुअल में जो पैसे का बर्बादी होता है ना टैक्स का, हम लोग को दर्द होता है, हम पे करते हैं टैक्स, और हम लोग को सर्विस के नाम पे क्या मिलता है। आप ट्रेन में जाओ तो ट्रेन में आप टिकट नहीं दे सकते, ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, सर्विस प्रोवाइड करना, ट्रेन का हो, एयरपोर्ट या जो भी हो चीज़ हो, हम आपको टैक्स देते हैं। और मुझे क्या होता है कि जब मैं टिकट लेने जाऊँगा 500 का 2,000 में लेता हूँ, ये हम लोग वो जो एजेंट से करवाते हैं, एजेंट से करवाते हो क्यों, एजेंट खुद से बहुत मुश्किल इसलिए करवाते हैं क्योंकि आप सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, आप ट्रेन उतने नहीं चला पा रहे हो, और आपको हम पैसा पे कर रहे हैं उसके लिए कि आप ट्रेन कम है तो उसको बढ़ाओ, ये नहीं कि आप मेट्रो चलाओ, सुपर फास्ट ट्रेन चलाओ, पहले बैठने के लिए तो जगह दो। 500 के जगह हम 2000 टिकट 2000 का लेके दे रहे हैं, तो वो भी एक लॉस है। अगर हम लोग टैक्स पे या जो भी है, गरीब को तो आप बांट ही रहे हो पैसे, मिडिल क्लास में क्या प्रॉब्लम होता है। अभी जब तक हम शरीर में ताकत है, हम खरीद के कमा के पैसा दे रहे हैं, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, टैक्स के पैसे पे फिर टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि कपड़ा खरीदने जाओ, खाना खाने जाओ, फिर टैक्स देते हैं, टैक्स पे टैक्स। इतना टैक्स लेने के बाद भी मुझे क्या दोगे आप, कुछ नहीं, ना तो कोई इंश्योरेंस, 5 लाख का इंश्योरेंस आपने गरीब को बीपीएल लेवल को दिया, मिडिल क्लास के लिए क्या सोचते, ये मैं बोल रहा हूँ। और मिडिल क्लास में ये भी है, अगर मेरा अभी कुछ नहीं हुआ, अब मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ या और कुछ हो गया, ठीक है, उसके बाद तो गवर्नमेंट हमको तो पूछने वाली नहीं है। अभी जब तक मैंने आपको पैसा दिया, तब तक कहना तो है कि गरीबों को मिल रहा है, मिडिल क्लास को नहीं मिल रहा है, आप लोग सहमत हैं? नहीं, देखिए गरीबों को नहीं, गरीबों की अपनी समस्याएं, मिडिल क्लास वर्ग की अपनी समस्या है, वो हमेशा से उपेक्षित रहा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। मैं यही ऐड कर रहा था कि वो ट्रैवल का बता रहे थे, बिहार में कोई भी ट्रेन घुसने के बाद, पटना के बाद उसकी क्या हालत होती है, चाहे आप किसी भी बोगी में आ रहे हो, आप स्लीपर में आ रहे हो, आप एसी में आ रहे हो, बिहार में घुसने के बाद, एक तो बिहार से भागलपुर से पटना की दूरी 200 किलोमीटर 220 या 250 होगी उसके अप्रॉक्स है, आने में 5 से 6 घंटे लग जाते हैं, और उसके वजह से हिंदी का जो सफ़र है वो अंग्रेजी वाला सफ़र हमारा बन जाता है। आप किसी भी रिजर्वेशन से आ रहे हैं, आप लॉन्ग जर्नी से आते हैं, तो आप ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप एक अच्छे सही से आएंगे और आप फ्रेश रहेंगे, लेकिन ट्रेन से उतरने, भागलपुर बिहार में घुसने के बाद ट्रेनें इतनी लेट लतीफे हो जाती हैं और इतने भीड़ चढ़ जाते हैं, इनफैक्ट जिनका रिजर्वेशन नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि आप उनके लिए लोकल ट्रेन चलाइए ना, जो लोकल पैसेंजर्स हैं उनके लिए लोकल ट्रेन चलाइए, और जो बाहर से आ रहे हैं एक्सप्रेस ट्रेन, तो जो लोग रिजर्वेशन के लिए हैं उनके लिए रिजर्व है ना, आप लोकल पैसेंजर्स को एक्सप्रेस ट्रेन पर चढ़ा रहे हैं। यहाँ पे जो अब एक बार फिर से पॉलिटिक्स पे लौटते हैं, दिक्कतें हैं, ये सारी चीज़ें हैं, इन पर फिर से लौटेंगे। इसको क्या लग रहा है, इस बार क्या होने वाला है भागलपुर में? इस बार कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि इस बार जो लोजपा के कैंडिडेट हैं राजेश वर्मा वो, और जो कांग्रेस के अजीत शर्मा हैं, इन लोगों ये खेल बहुत बिगड़ने वाला है भागलपुर का, क्योंकि कुछ भी हो सकता है इस बार। क्योंकि राजेश वर्मा वोट ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ भाजपा का काटेंगे, वो कहीं ना कहीं जो युवा उसको बहुत ज़्यादा
पसंद करते हैं। अब जो राजेश, हाँ वो डिप्टी मेयर रहे हैं और यूथ भी हैं और अच्छे वक्ता भी हैं और अच्छा इनिशिएटिव भी लेते हैं, जाके चीज़ों को देखते हैं, तो इस वजह से जो यूथ है ना वो उनके साथ प्रोबेबली जाएगा। लेकिन ये भी नहीं बोलना चाहिए कि ये भाजपा का गढ़ रहा है, जो भागलपुर है चौबे जी के पहले से ही गढ़ रहा है, तो उस वजह से हो सकता है कि वोट जो है वो जो अश्विनी चौबे के बेटे को टिकट नहीं मिला, क्या इसकी वजह से कोई भीतरघात जैसी चीज दिखती है? भीतरघात है, जिससे अभी जो भाजपा की जो विजय शाह जो पिछले बार विरोध में खड़े हुए थे उनके बेटे के विरोध में, उन्होंने 15,000 वोट लाया था और शायद उसी कुछ वोट से वो अश्विनी चौबे के लड़के हार गए थे, और इस बार फिर से वो खड़े हो गए हैं वो भाजपा के विरोध से कि भाई हम भी इतने साल से इसमें कार्यकर्ता हैं पार्टी के, हमको टिकट नहीं दिया के बाद भी, और हमारा वोट बैंक भी हमारी जाति का है, वो वैसे समुदाय जाति कौन सी जाति के हैं, वो समुदाय से आते हैं, तो वो उनका ये भी कहना था कि हमारे समुदाय के यहाँ वोट बैंक भी है तो हमें भी एक बार मौका मिलना चाहिए, वो फिर से इस बार विरोध में खड़े हो गए हैं। उनके बागी होने के पीछे ये कारण था कि वो भाजपा जो भी भाजपा उस समय नाराज थी, अमित शाह खुद आए हुए थे मैनेज करने के लिए वहाँ पे उस समय, तो उस समय ये कहना था कि हम 15 साल तक चौबे जी का झोला ढोए, अब उनके बेटा का झोला ढोएं, हम किस लिए फिर राजनीति कर रहे हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं चौबे जी को बेटे के को उस समय जो टिकट मिला था ये बस नेपोटिज्म की वजह से मिला था, इनके पावर थी तो नेपोटिज्म तो बाकी पार्टी में है, बीजेपी में कहाँ है? बीजेपी कहती है कि नेपोटिज्म को लेकर सवाल करते, बीजेपी में भी नेपोटिज्म है क्या बताइए? बीजेपी में नेपोटिज्म है लेकिन बाकी जिन पार्टियों में नेपोटिज्म शीर्ष नेतृत्व पे है वो शायद बीजेपी में नहीं है, कि शीर्ष नेतृत्व पे जो हमारे नेता जैसे कांग्रेस अध्यक्ष, अच्छा इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, फिर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ऐसे अखिलेश, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, लालू यादव, तेजस्वी, मतलब जो शीर्ष है वो नहीं है लेकिन बाकी स्तर पर तो अच्छा अच्छा आप कह रहे हैं कि है, तो वही चीज़ है कि यहाँ पे इसलिए उस समय इनके खिलाफ गोलबंदी हुई थी, लेकिन इस बार वैसे वैसा नहीं लग रहा है कि मतलब भाजपा से, हाँ बागी तो हर पार्टी में खड़े होते हैं लेकिन प्रोबेबली चांस है कि कांटे की टक्कर होगी यहाँ पे, कांटे की टक्कर है, कौन ज़्यादा 19-20 लग रहा है अभी तो कह नहीं सकते। यहाँ देखिए बिहार में एक चीज़ है ना, सोशल इंजीनियरिंग बहुत भयानक तरीके से होती है, हम आज आप जा रही होंगे घूमने देखने जा रही होंगे, सब लोग जिन जो भी आपको बयान लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत है, लास्ट बिहार में ही है ना, हालांकि जाति आधारित राजनीति और जाति आधारित चुनाव हर स्टेट में होता है, जितना हिंदी हार्टलैंड है हर जगह होता है, लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ लास्ट 3 दिन में माहौल बदलता है, लास्ट के 3 दिन में माहौल बदलता है। कैसे थोड़ा बताएंगे, क्या क्या देखते सुनते ये है कि अभी तो चल रही है कि भाई नीतीश कुमार के खिलाफ पूरी तरह से है, लास्ट टाइम में हो जाए कि कोई सोशल इंजीनियरिंग हो जाए, कोई कहीं से कुछ आर्थिक फायदा मिल जाए, तो ये तो आर्थिक फायदा जैसे सीधी सी, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि पैसे लेके वोट दिए जाते हैं, पैसे बटते हैं, बिल्कुल पता है, बिल्कुल पैसे एकदम बिल्कुल 500 रुपये जिस तरह जब इलेक्शन के रात होने एक दिन दो दिन पहले बिल्कुल सबको जो है जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल गरीब हैं उनके एक लोग को जैसे ठेका दे दिया है भाई तुम्हें इसे अपने इलाके में बांटना है, वो पैसा लिया वो बांटा और अगले दिन वोट देना। आपको मैं बताता हूँ एक चीज़, पिछली बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ था और 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें महिलाओं पुरुष की तुलना में महिलाओं का वोट परसेंटेज ज़्यादा रहा था, 59% वोट रहा था महिलाओं का पिछले बार के लोकसभा चुनाव में, और उसमें ज़्यादातर जो है ना समाज के पिछड़े वर्गों से जो निचले सामाजिक वर्गों से आते हैं उनको था, उनकी महिलाएं वोट देने जाती है, उनको किसी तरह से मतलब पोलराइज किया जाता है, पैसे दे के या उनको बता दिया जाता है कि इनको वोट देना है, उनको अपने तौर पर राजनीतिक तौर पर वो सशक्त नहीं हो पाई है, तो इसका जो है ना फ़ायदा मिलता है राजनीतिक पार्टियों को। आखिरी रात जो होती है इलेक्शन के 3 दिन पहले से लामबंदी होने लगती है, माहौल तेज होने लगता है और इलेक्शन की पिछली रात को कुछ जो होना होता है वो होता है। ऐसे समझ सकते हैं कि 1950 विधानसभा चुनाव अगर भागलपुर के क्षेत्र में देखा जाए तो मात्र 1950 से अगर देखा जाए अभी तक 2020 तक तो मात्र 5 ऐसे लोग हो रखे हैं, 1950 से तो वहाँ से मात्र 5 लोग ही भागलपुर क्षेत्र से जीत पाए आज तक, इतने सालों में मात्र 5 लोग, 20 साल अश्विनी कुमार चौबे जी रहे, 11 साल से अभी अजय शर्मा है ही हैं, तो बात क्या है कि अगर काम हो ही नहीं रहा था तब तो चेंज हो जाना चाहिए था नेता, हम तो उस समय छोटे थे, जो हमारे बड़े लोग हैं या जो उस समय वोट दे रहे थे तो चेंज होना चाहिए, 20 साल अश्विनी कुमार चौबे जी ने क्या कर रहे थे इस शहर में, तो बात क्या होता है कि बात वही है कि रात हुआ और जब पैसा बट गया तो इतना बेरोजगारी है और लोगों के पास कुछ है नहीं करने को, तो उनके लिए वो 500 का नोट सोना समान है, तो वो उसके लिए जान भी देने को तैयार है ना, और ये बिहार है यहाँ तो दे देते हैं मतलब जान, ऐसा हिसाब है। और इवन कि सिर्फ पुअर लोग नहीं लेते हैं, गरीब लोग नहीं लेते हैं, मतलब हम देखें कि एजुकेटेड पीपल भी वो लेते हैं,
भाई दोनों का, दोनों के पैसों का जो है, जो गरीब को पैसा मिलता है वोट करने के बदले और जो थोड़ा उससे ऊपर के आर्थिक वर्ग को मिलता है, दोनों में फर्क होता है कि सब वहाँ समाजवाद है, सबको एक बराबर पैसा बंटता है? गरीबों के साथ क्या होता है ना कि कोई यहाँ तो जाति पर आधारित होता है चुनाव, तो जिस जाति का एक नेता होता है, एक मुखिया होता है, ठीक है, उनके साथ जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो कांटेक्ट करने की कोशिश करती है कि भाई आप अपने जाति के प्रमुख हैं तो आप अपने हिसाब से मैनेज कीजिए कि कैसे वो मैनेज होने वाला, उस हिसाब से चीज़ें यहाँ मैनेज होती हैं। और कहीं पर भी कोई भी पार्टी, ये कोई भी पार्टी ये दावा नहीं कर सकती कि हम पैसे नहीं देते हैं चुनाव में, पैसे खर्च नहीं करते। काला धन, कितना ज़्यादा काला धन यूज होता है, पिछले लोकसभा चुनाव में रिपोर्ट आया था कि 5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का काला धन होगा, तो वो राजनीतिक पार्टियाँ कहाँ उस, वो अगर की हैं तो उसका इन्वेस्टमेंट किया तो रिटर्न होना ही चाहिए, तो इस वजह से जो है ना डेवलपमेंट पीछे रह जाता है। आप युवा हैं, बिहार में अभी कई युवा नेताओं की चर्चा है, थोड़ा थोड़ा आप लोगों से एक एक करके पूछते हैं, है ना, आप बताइए कन्हैया कुमार। हाँ मुझे सही लगता है क्योंकि उनके जो बोलने का जो तर्क रखते हैं वो तर्क मुझे सही लगता है, लेकिन जो वो अभी जिस तरह से उनकी राजनीति कोरोना में और कोरोना के बाद से देख रहे हैं, पता नहीं, वो बोलते हैं कि हमने काम किया, पर वो आज के समय में है कि आप दिखना चाहिए, काम दिखना चाहिए, वो काम मुझे इस बार नहीं दिखा, नहीं दिखा, नहीं, वो गायब। कन्हैया कुमार क्या है ना, कन्हैया कुमार जो ठीक है, अच्छे वक्ता हैं, अच्छे बोलते हैं, टारगेट भी करते हैं, अच्छी चीज़ें उठाते हैं, लेकिन अगर आप दूसरे के लिए उठाते तो आप पहले उस चीज़ को अपने अंदर भी तो फॉलो कीजिए। आप ललन टॉप पर ही उनका इंटरव्यू सौरभ जी ने लिया था, मैं देख रहा था, कम्युनिस्ट लोग तो होते हैं सिद्धांतवादी, बताते हैं अपने आप को, ठीक है जो भी है उस पर नहीं जाना है। वो बोले इंटरव्यू में ही मैं देख रहा था, तो वो बोले कि चंदू के बारे में, सौरभ जी ने चंदू के बारे में सवाल उठाया, तो वो उसको बहुत अच्छी तरीके से घुमा दिया बात को कि उतने पीछे कौन जाता है, उस पार्टी ने जिनके वो थे उन्होंने भी तो ऐसा और, किया। और जब लोकसभा चुनाव था, जब वो छात्र राजनीति करते थे तो चंदू के नाम पे राजनीति करते थे कि चंदू को, हमारे चंदू को यहाँ ऐसे किया गया था जिन लोगों ने किया, आज उन्हीं के साथ बैठे हुए हैं बोलबनगर। भाषा बदल गई है आपका कहना? बिल्कुल बदल गई है, भाषा बदल गई है, लेकिन और दूसरी चीज़ है ना कि आप अकेले नहीं कर सकते, आपकी पार्टी भी मजबूत होनी चाहिए, बिहार में उनकी पार्टी मजबूत नहीं है, और इसलिए। और दूसरी चीज़ वो आप कहते हैं ना कि जैसे आप तेजस्वी यादव को कहते हैं कि उनको ये नेपोटिज्म की वजह से वो, या जो परिवारवाद की वजह से उनको टिकट मिला है, कन्हैया कुमार 2019 का लोकसभा चुनाव लड़े थे, उससे पहले छात्र राजनीति करते थे, तो उनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए ना कि आपको कौन से बेसिस पे वहाँ टिकट मिला था, क्या आपने बेगूसराय के धरातल पे काम किया था, क्या नहीं किया था, आप फेमस थे, आपको बेगूसराय में उससे पहले कोई नहीं जानता था, तो आप भी उसी। इसका जवाब शायद उन्होंने उस इंटरव्यू में इस तरह से दिया था कि परिस्थितियां ऐसी बनी कि नाम इतना चला कि फिर इसकी संभावना बन गई। और भी युवा नेताओं पर बात करते हैं, चिराग पासवान आप बताइए। चिराग पासवान सही नेता है, सही नेता है, क्या सही है? विजन सही है, पढ़े लिखे हैं, और मतलब कंपैरिजन में जो आप अपोजिट पार्टी में देखते हैं युवा नेता, उनके कंपैरिजन में कम से कम वो पढ़े लिखे हैं। अच्छा, उनका विजन क्लियर है कि थोड़ा रोजगार का मतलब मुद्दा उठाना है। चिराग पासवान में बताऊँ, चिराग पासवान अच्छे नेता हैं, ठीक है, अच्छे वक्ता भी हैं और अच्छा विजन भी है, लेकिन अगर ये है ना कि उनकी पार्टी जिस सामाजिक वर्ग की राजनीति करती है, उनको उस दायरे से बाहर आना होगा, उनको सबके लिए बाहर आना होगा, जाति की राजनीति उससे बाहर नहीं, उसको छोड़नी नहीं होगी, आप उसको रखिए, व्यापक होना होगा। जाति की राजनीति करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन सिर्फ बुराई नहीं अगर यहाँ पे उसके बिना कोई चांस भी नहीं है। लालू जी जाति की राजनीति की, ठीक है, जाति की राजनीति की, कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि लालू जी की वजह से निचले सामाजिक वर्गों को आवाज़ मिली। लालू जी खुद कहे थे कि हमने मतलब जो है गरीबों को पिछड़ों को स्वर्ग नहीं दिया पर स्वर जरूर दिया है। अच्छा, ठीक है, तो ये चीज़ मानना पड़ेगा, लेकिन वो उसी में लामबंद रह गए, उसी चीज़ उस दायरे से आपको चिराग पासवान को उससे व्यापक होना पड़ेगा, दायरा बढ़ाना होगा अपना, उस दायरे से बाहर आना पड़ेगा और उस दायरे से बाहर आके सबकी बातें सुननी पड़ेगी। तेजस्वी यादव ठीक है, युवा नेता के तौर पे एक चिराग पासवान ही दिखते हैं। तेजस्वी यादव ठीक है, लेकिन उनको इस चुनाव के बनस्पत या इस चुनाव के पहले या पिछले चुनाव के मुकाबले उनको जैसा अपॉर्चुनिटी मिली थी वो उसको नहीं बुना पाए, इस बार भी नहीं बुना पाए। जमीन पर मैं आपको बताता हूँ, हाँ जमीन पर नहीं, मैं बताता हूँ आपको, जो आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात हुई थी, जितने भी निचले तबके के दलित नेता थे सब ने समर्थन किया था बिना, सिर्फ आरजेडी को छोड़ के, तो इनकी स्थिति ये हो गई कि एक भी सीट नहीं मिली राजद को लोकसभा चुनाव में, तो आपको उससे बाहर आना पड़ेगा। अब बिहार सिर्फ 2MY या जो भी है इससे बाहर आना पड़ेगा, तभी आप लीडर कहलाएंगे। पुष्पम प्रिया, हाँ
मैम, मैं पुष्पम प्रिया चौधरी से वेक्टर उनके आइडियाज़ से प्रभावित हुआ हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो जो डेवलपमेंट की बात करती हैं वो बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं, लेकिन फ़िलहाल लोगों को वो एक्सपेक्ट करने में फ़िलहाल हिचकिचाहट हो रही है। लोग ये समझते हैं कि वो बाहर से पढ़ लिख कर आई हैं तो मे बी वो इलेक्शन के बाद यहाँ दिखे ना दिखे और चले जाएँ। तो सबसे पहले एक तो चुनाव से महज 8-6 महीने पहले आई हैं, और आने के बाद लॉकडाउन हो गया कोरोना के वजह से, तो उन्होंने उस बीच में अच्छा खासा यहाँ आई थी ना भागलपुर में, क्या की थी, क्या क्या बोला था? मेरा उनसे मिलना हुआ, पर बात मुझे ऐसे उनको सोशल मीडिया पर बहुत अच्छी लग रही थी कि ये है ऐसा है वैसा है, मतलब विजन बहुत सही है। पर जब मेरे मिलने के बाद मुझे लगा कि नहीं, वो चीज़ जो एक नेता में होना चाहिए वो क्वालिटी मुझे नज़र नहीं आई, क्योंकि वो दो तीन लोगों में घिरी हुई थी जो लोगों से उनको मिलना था, बात करना था, एक वो दो तीन लोगों में घिरी थी। उनके हर बात में, उनके भाषण में जो हमने सुने उसमें, मैं लंदन से आई हूँ, मेरे यहाँ ये है, मेरे यहाँ वो, जबकि उनको जो मेन समस्या है या जो दिक्कत है वो सभी उठाना चाहिए। मैं कनेक्ट कर पा रही थी क्या पब्लिक? मुझे नहीं लगा कि पब्लिक तो नहीं कर पा रही, ज्यादा भीड़ उनको देखने के लिए था। अच्छा। उनको सुनने के लिए, मतलब उत्सुकता, जिज्ञासा, जिज्ञासा उनको देखने। बिहार भ्रमण पे निकली थी, बिहार भ्रमण, कहाँ की क्या समस्या है सारी चीजें वो जानती है, ऐसा नहीं है कि प्रॉपर भागलपुर की क्या समस्या है, वो गया तक जी काफी उन्होंने कहा, उन्होंने सारे जिलों का दौरा, लेकिन यही है कि उनको इस बार सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। लेकिन पड़ेगा जब तक आप गांव समाज में नहीं जाएंगे, आप फेसबुक पे या फिर ट्विटर पे आप कितना वोट ले पाएंगे भागलपुर में, जो प्रैक्टिकल बात है। लेकिन अगर आप ग्राउंड लेवल पे आप बोलते हैं कि गाँव देहात में जाने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि आपके सिर्फ नेता नीतीश कुमार हरे गांव देहात में आते हैं, ऐसा भी नहीं है, उनकी पकड़ है, उनकी पकड़ है, सही है, बात है। आपको लॉकडाउन में जमीन पे दिखना चाहिए था, मैनिफेस्टो भी देखिए, मैनिफेस्टो भी देखिए कि आप किस मैनिफेस्टो में वो क्या करना चाहते हैं, वो कितने एलिजिबल हैं और वो क्या 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 कर सकते हैं, वो मोटिवेटेड हैं कि नहीं। अगर वो काम नहीं किया तो वो इतने कॉन्फिडेंस में वो बोलते हैं 243 सीट हम जीत रहे हैं। वो देखिए उनके साथ क्या, उन्होंने कैंडिडेट मतलब अच्छे उतारे हैं, ठीक है, उन लोगों को नहीं पता किसको कौन कहाँ उतार दिया है। आपका कहना है कि उन्हें समय लगेगा, कुछ आप पप्पू यादव पर बीच में बोल रहे थे, मैं बता रहा हूँ पप्पू यादव पे, पुष्पम पे बता रहा हूँ। वो देखिए अच्छे विजन अच्छा लेके आइए, जो भी हो, इन्होंने कहा कि लीडर वाली क्वालिटी, नेगेटिव तौर पे लेना चाहिए कि लीडर वाली क्वालिटी ना ही हो तो बिहार वाले लीडर वाली क्वालिटी तो अच्छी। अच्छा, कैसी होती है क्वालिटी? जेपी है या कहीं अभी, सारे अभी करंट सिनेरियो में जो हमारे, लेकिन वो जो उनमें जो क्वालिटी थी वो इनमें नहीं। आप भी बोलते हैं कि हम बाहर से आए, लेकिन बाहर से कई नेता हमारे यहाँ भारत में आए। पॉलिटिकल मैच्योरिटी भी तो समय समय के साथ आती है, जैसे चिराग पासवान 2014 से 2020 तक में उनका बहुत मैच्योरिटी आई है, वो फील होता है आज के में। जैसे चिराग पासवान जिन चीज़ों की वो अभी बात कर रहे थे कि वो उनको अपने जात राजनीति से बाहर आना पड़ेगा, अगर आप देखेंगे मैंने चिराग पासवान का एक इंटरव्यू नहीं देखा जिसमें वो सिर्फ जात पात की बात करते हैं, वो सोशल इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं। इनफैक्ट उनके नारा भी है जात पात के बिना बात करनी है, मतलब जो भी उनका नारा है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि चिराग पासवान के अच्छी बातें करते हैं, लेकिन इलेक्शन होता यह है कि चुनाव प्रचार सभी ऐसा करते हैं, सपने बहुत अच्छे सभी बेचते हैं, लेकिन जब उनकी सरकारें आती हैं तो उसके बाद जो है उनका मतलब संवेदनशीलता तक की उम्मीद जो होती है एक मामूली, वो भी खत्म हो जाती है लोगों में। तो वही नेताओं के साथ, हर नेता के साथ यही फेर है। अच्छा, एक बात बताइए, ये सारी बातें की यार जब न्यूज़ में आपके जैसे आपके मुद्दे हैं, शहर के मुद्दे, तमाम मुद्दे, राज्य के स्तर के मुद्दे हैं आपके, उन सब पर बात होते देखते हैं क्या, या फिर एक अलग तरह का नैरेटिव चलता रहता है? बिहार में राजनीति हर इंसान के दिल में है, आप हर चौराहे नुक्कड़ पे चौराहे पे। नहीं, मैं रिप्रेजेंटेशन की बात कर रही हूँ कि जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, ठीक है, वह साइलेंट आप देखते हैं। न्यूज़ चैनल दूसरा एंटरटेनमेंट चैनल बन गया है, न्यूज़ चैनल में जो रियल चीज़ दिखाना चाहिए वो चीज़ हम नहीं दिख रहा है। अगर ये पॉइंट को उठाना है और ये एक्चुअल में है प्रॉब्लम, तो जिसको उससे प्रॉब्लम है अगर उसके अगेंस्ट में आप बात करोगे तो न्यूज़ चैनल को या तो उसको पैसे दिया जाते हैं या कुछ भी, उनको कुछ और ही डाइवर्ट करके या तो बलात्कार वाला सीन दिखाने लगे, यहाँ रेप हुआ, यहाँ रेप हुआ, यहाँ रेप हुआ। रेप की बात दिखाने में क्या कुछ भी नहीं, दिखाने में नहीं, अगर यहाँ पे अभी एक्चुअल में अभी ये मतलब कि क्या बोलते हैं कि आग वाला पॉइंट है, इसको दिखाना है, वो वाला भी दिखाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं और कुछ भी हुआ उसका डाइवर्ट करना है, मतलब उस पॉइंट से उसको डाइवर्ट करना है। आपका कहना है कि मुद्दे, असली मुद्दों को डाइवर्ट करके दूसरे मुद्दे में ला के, ये जैसे आज के मैं न्यूज़ चैनल एक एंटरटेनमेंट की दुकान हो गई है। इनफैक्ट मेरे घर में जब मैं देखता हूँ कि वो लोग घर वाले न्यूज़ चैनल देख रहे हैं तो मैं बोलता हूँ क्यों आप देख रहे हैं ये सब न्यूज़ चैनल, तो वो बोलते हैं कि एंटरटेनमेंट जो इसमें मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। खैर, मैं खुद का व्यक्तिगत तौर पर बताता हूं, सबसे अच्छी बात क्या है कि जो अच्छे मुद्दे होते हैं, जो सही मुद्दे होते हैं, वो सोशल मीडिया के बहुत सारे चैनल यूट्यूब पे हैं वो उठा रहे हैं, जैसे लल्लन टॉप है,
द क्विंट है और न्यूज लॉन्ड्री है, ये सब सोशल मीडिया पे आपको पता नहीं है। मैं उसी लाइन से हूँ, मुझे पता है यहाँ क्या हो रहा है। आपके डेटा को फिल्टर अभी भी सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे चैनल है जो सही थोड़ा थोड़ा अभी जो पिछले दिनों बड़े मुद्दे रहे, तनिष्क वाला एक बड़ा मुद्दा उठा, तनिष्क के एड पे है ना, आप लोगों ने क्या सोचा उस पे? टाइमिंग वो चीज होती ना, पहले भी ऐसे एड बनते रहे हैं, ठीक है, पहले भी ऐसे बैठे, आज थोड़ा उस पर कुछ ज्यादा ही बहस हो रहा है, ठीक है, इतना भी बहस नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कुछ उसमें क्रिएटिविटी गलत है उसका विरोध करना चाहिए। गलत थी, सही थी, क्या थी, कैसा ऐड था, देखा है ऐड, मैंने नेचुरल लगने लग गया है ये, इतनी सिंपल सी चीज को, इतनी अच्छी चीज को विरोध करना कितना नेचुरल लग रहा है, लोगों को लग रहा है कि हाँ ये तो नॉर्मल चीज है इसका विरोध करना। ये जो सिचुएशन हो गया ये थोड़ा अजीब लगता है कि मतलब विरोध कर रहे हैं और लोगों को लग रहा है ये नेचुरल है। ये जो सिचुएशन है ना ये थोड़ा डराने वाला सिचुएशन है, गलत जगह ये जो है ना हमारे सोसाइटी को बहुत दूर ले जाएगा, थोड़ा सोचने की वजह बहुत दूर हो जाएगा। होनी चाहिए दीवार, क्या हिंदू मुसलमान में मतलब ऐसे शादी वादी होना गलत है क्या? ना कभी ऐसा मुझे ना कभी होगी, इंटरफेथ मैरिज गलत नहीं है, कभी नहीं, कभी नहीं, इंटरकास्ट मैरिज और ये सब ये गलत है, सही है। लेकिन हम अंकित सक्सेना के केस को भुला भी तो नहीं सकते, हमें दोनों केस बिल्कुल 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 बिल्कुल। जब आप दो दिन पहले, मैं सहमत हूँ, दो दिन पहले राहुल नाम का एक लड़का था उसको शायद मुस्लिम गर्लफ्रेंड होने की वजह से मार दिया गया था, और कर्नाटका में भी इवेंट शायद, तो उस इसलिए हम बोले कि उसकी टाइमिंग गलत थी थोड़ी, ऐड गलत नहीं था, ऐड कहीं से गलत नहीं है, ऐड का टाइमिंग गलत था। तो ऐड का जो सोच था कि अगर हम लोग इंडिया जो है बहुत सारे धर्म का जाति का है, उसमें दिखाया गया कि एक मुस्लिम परिवार के घर में एक हिंदू परिवार की लड़की आई है, लेकिन हिंदू मुस्लिम परिवार होते हुए उस हिंदू परिवार के प्रथा को वो अपना रही है क्योंकि उसमें लड़की की खुशी है, दूसरे जात की लड़की दूसरे धर्म की खुशी है उसको अपनाया गया। तो क्या ये नेचुरल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, ऐसा होता नहीं। इनफैक्ट हमारे मेरे भी कई ऐसे फ्रेंड हैं जिनके मैं जाता हूँ जो अलग कम्युनिटी के हैं, होता है ये चीज़ होता है, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म पे सोशल प्लेटफॉर्म पे आ गया ना तो लोग इंटॉलरेंट हो गए, वही इंटॉलरेंट हो गए जो समाज को जोड़ाने के बजाय तोड़ना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। बड़े बड़े नेता जो है दूसरे अपने धर्म में शादी किए, चाहे वो भाजपा के हैं, चाहे कांग्रेस के, चाहे शाहनवाज हुसैन हो, कई सब खुद शाहनवाज हुसैन है जो हिंदू धर्म में शादी किए हैं, लेकिन राजनीति सबकी वही हिंदू मुस्लिम वाली बात में करके हम लोगों को लड़ाते हैं। ये बिहार चुनाव के मुद्दे पे, बिहार चुनाव के मुद्दे पे अभी तक चल रहा था कि जो डेवलपमेंट की बात होगी ये होगी वो होगी, भाजपा को मुद्दा नहीं मिल रहा था। कल के दिन भाजपा को मुद्दा मिल गया कि कांग्रेस ने जाले विधानसभा सीट से ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया है जो जिन्ना का समर्थन किया था, इस मुद्दे को लेकर अब भाजपा आएगी। बिहार को इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, हमारी अपनी विचार हो सकती है कि हम क्या कहते हैं उसे, लेकिन बिहार में इस मुद्दे को लेकर आप नहीं आए, बिहार में डेवलपमेंट के मुद्दे को लेकर आए आप। ये जबरन का मुद्दा है, मुद्दों असली मुद्दों को लेकर इस मुद्दे को दोनों ने तोड़ दिया। पर वो मैम अभी कांग्रेस अगर उसको टिकट ना देती तो मुद्दा तुल नहीं पकड़ता, कांग्रेस ने टिकट दिया, इनको मौका मिला है। सुशांत सिंह राजपूत क्या था? बहुत हुआ है ना, बहुत हुआ, क्या हुआ? वो बिहार के लिए एक उम्मीद, पर्सनल चीज को एक उम्मीद था जो यहाँ से बच्चे वहाँ तक नहीं जा पाते हैं, छोटे शहरों से बच्चे मुंबई के सितारे में नहीं जा पाते। मुद्दा है क्या वो? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मुद्दा नहीं है। चुनाव में क्यों मुद्दा होना चाहिए? नहीं, कई कुछ पार्टियों ने लिखा ना कि भूलने नहीं देंगे। हमारा सुशांत सिंह राजपूत के साथ इमोशन हो सकता है, इमोशन है हमारा, इमोशन हो सकता है। हम ये जानना चाहते हैं कि उसके साथ क्यों हुआ या क्या सरकार, ये लोगों को इसमें जानना है क्योंकि हमारे उसके साथ इमोशन जुड़ा हुआ है। इसको चुनाव का मुद्दा बनाने का कोई मतलब, जैसे एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आने वाला था या फिर रिजल्ट डिले हो रहा था उसका मुद्दा दब गया और चैनल्स में मतलब पीएम मोदी के मन की बात वीडियो पर डिसलाइक आ रहे थे, स्टूडेंट कर रहे थे, लेकिन कुछ मीडिया क्या दिखा रही है कि तुर्की से डिसलाइक आ रहे हैं, तो आप ये क्या कर रहे हैं? तो मुद्दा को भटकाया तो जा रहा है। जब वो बेरोजगार मैं भी बेरोजगार वाला वो पूरा कैंपेन चल रहा था नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर, बहुत ज्यादा ही ट्रैक पे नहीं है। पहला तो ये सवाल ही नहीं होना चाहिए कहीं पे भी कि आप किससे शादी करना चाहते हैं, तो उसमें जात और धर्म आना चाहिए, मतलब ये सवाल ही नहीं होना चाहिए। सवाल है क्या ये? इसका कोई सेंस ही नहीं है। आज अगर कल को मेरे को कोई मुस्लिम लड़की या किसी भी समाज की कोई लड़की पसंद आ जाती है तो इस पे किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? अगर मुझे या उसको आपत्ति नहीं, अगर दोनों बालिग हैं, दोनों रजामंद हैं, है ना, परिवार की मानसिकता और समाज की मानसिकता। सवाल जो मुझे लगता है कि सवाल जो न्यूज़पेपर या आज हम लोग पब्लिक उठा रहे हैं उससे ऊपर उठना पड़ेगा, कोई सवाल है ही नहीं, इस सवाल का कोई बुनियाद नहीं, सवाल नहीं है। आप कह रहे थे कि चुनाव के लिए मुद्दा बनाया गया सुशांत सिंह को, केस को इतना लंबा क्यों
महाराष्ट्र में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, अगर वहाँ पे निगेटिव होता है तो वहाँ का भी जो शिवसेना और जो गठबंधन है उनको प्रॉब्लम होगी, और उनका पॉजिटिव ये होगा कि यहाँ पे बीजेपी को या जेडीयू को यहाँ पे प्लस पॉइंट मिलेगा बिहार में, अगर सुशांत केस को हम उठाएंगे मतलब बीजेपी या जो भी आगे करेंगे तो यहाँ पे उनका इधर फायदा मिलेगा उधर से वहाँ फायदा मिलेगा, इसीलिए इतने लंबा ज़्यादा खींचा गया ये सुशांत सिंह का। ऐसे सुसाइड तो बहुत होता है, एक दिन दिखा दिया ठीक है, उसका 6-6 महीने तक मुझे लगता है 2-3 महीने तक कंटिन्यू हो गया, ये इसकी कोई जरूरत नहीं है। रिया चक्रवर्ती के साथ कैसा हुआ वो जो ट्रीटमेंट था वो क्या गलत था? मीडिया ट्रायल, मीडिया ने ट्रायल किया क्या? देखिए जांच एजेंसी जो करेगी वो सही निकालेगी। मीडिया ट्रायल जो हुआ ना वो सुशांत के साथ भी गलत हुआ, सुशांत के इमोशन के साथ भी गलत हुआ, रिया चक्रवर्ती के साथ भी गलत हुआ। ठीक है, हमें जानना है, हमें कोरोना पे यहाँ से मैं सब की राय लूंगी, ठीक है। रिया चक्रवर्ती के पीछे ईडी भी लग गई, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट भी लग गया, सीबीआई भी लग गए, मतलब देश का सबसे बड़ा विलन जो है वो रिया चक्रवर्ती को बना दिया गया, और उसने कितना कुछ मीडिया ट्रायल सहा है फिलहाल, और सब जो एक एक करके रिपोर्ट्स आ रही हैं, ईडी ने बाद में उन्हें क्लीन चिट दे दिया, एनसीबी ने भी अब उनको जमानत मिल गई है उन्हें, और सीबीआई भी सुनने में आ रही, जो भी आई रिपोर्ट मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो सुशांत का पर्सनल इशू था, पर्सनल केस था, उसको इतना ज़्यादा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर सर्कस बना दिया उसके पर्सनल लाइफ का, ये बहुत ही ज़्यादा बुरा चीज़ हुआ है। मतलब अगर न्यूज़ चैनल एक तरफ जहाँ पे बड़े बड़े पैनल में बैठ के महिला सशक्तिकरण की बात करती है, और फिर महीनों भर किसी एक लड़की के पर्सनल लाइफ को इतने अच्छे से पूरे देश को दिखाती है, तो ये कहाँ अच्छे से मतलब विस्तार से, हाँ इतना विस्तार से समझा रहे हैं और वीडियो चैट सब कुछ आप दिखा रहे हैं, फ़ोटो पब्लिक कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक आपके विचार को शोभा देता है? मतलब एक तरफ तो आप महिला सशक्तिकरण पर हल्ला करते हैं, दूसरे तरफ आप यही करते हैं, दो तरफा चेहरा दिखाते हैं, तो कोई अर्थ नहीं है इन चीज़ों। देखिए दोनों लिव इन में रह रहे थे, तो जैसे ईडीबी का भी मतलब हुआ, ये सब होना ही नहीं चाहिए था, और मतलब इसको जब मतलब जांच एजेंसी के हाथ में है केस, तो आपको जो है उसको करने देना चाहिए, आप उसको पकड़ के बैठे हुए हैं, देश का बाकी मुद्दा पीछे जा रहा है, बस यही है, खींचा गया बहुत लंबा खींचा गया। देखिए वो मुद्दा जितना तुल दिया गया ना उतना ज़्यादा तुल नहीं देना चाहिए था। रिया चक्रवर्ती के साथ जो भी है, जो जांच कर रही है पुलिस, सीबीआई जांच कर रही है, लेट देम डिसाइड, ठीक है, मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए अब तो बिल्कुल नहीं। घर पे बैठ के डिसाइड तो कर नहीं सकते हैं हम, क्या हम और आई थिंक उन्हें एक पब्लिक फिगर चाहिए था जो कि उसे ब्लेम कर सके वो, और ये एक टैबू भी है, मान सकते हैं कि बीइंग ए गर्लफ्रेंड, हैविंग ए गर्लफ्रेंड वो एक सोसाइटी के बहुत सारे लोगों पे, एल्डर पीपल पे एक टैबू मानते हैं, तो उसे गलत नज़रिए से देखते हैं, और वो इस चीज़ को बहुत दूर तक ले गए, एक पब्लिक फी और जस्टिस तो हुआ ही नहीं, अभी जो रियल चीज़ें वो जस्टिस तो हुआ ही नहीं है, बस इधर उधर की बातें कर रहे हैं, खींच रहे हैं, रिया चक्रवर्ती को फंसा रहे हैं, जो पब्लिक इंटरेस्ट ले रही है उसमें बता रहे हैं वो। मुझे लगता है कि इस मीडिया ट्रायल के चक्कर में कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उनके धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, क्योंकि अब लोग को कुछ भी हो रहा है ना वो तुरंत मीडिया उसको 1 महीने तक ट्रायल करने, इसको फांसी दो, इसको ये दो, जो गलत हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जो जिनको जिनका काम है वो जो है करेंगे, न्याय करेंगे, क्या है गलत क्या सही है, पर अब लोग डिसाइड कर रहे हैं, मीडिया वाले डिसाइड करके बता रहे हैं कि इनको ये सज़ा मिलनी चाहिए। मैं एक एक शब्द में, एक एक उसमें मैं आप ये वाला मुद्दा हो गया, इस पर बात हो गई है, एक एक शब्द में देखिए यहाँ सीबीआई रॉ सब लोग लग गए, फिर भी 4 महीने से रिजल्ट नहीं निकला, इतना बड़ा केस हो सकता है, इसके लिए तो सीबीआई का भी नाम बदनाम हो रहा है। जी जी, बस एक एक चीज आखिर में रैप अप करते हुए मैम, एक चीज बस मेरा ये है कि न्यूज चैनल में दिखाया गया है कि आईएसआई कनेक्शन है, अगर इस चीज में आईएसआई कनेक्शन पाकिस्तान का नाम तो बहुत बार आ जाता है, कनेक्शन आया इस केस में, रिया चक्रवर्ती केस में, अगर ऐसा है तो इंटेलिजेंस फेल्योर है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ना क्वेश्चन करना चाहिए ना इस चीज के लिए कि आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है कि आपका। खैर मैं आपको ये बता दूं असल मुद्दे क्या होना चाहिए बिहार में, मैं वही पूछ रही हूं, मैं एक-एक शब्द में, एक-एक शब्द, साल भर में 6 महीने बाढ़ आती है, ये एक फैक्ट है, क्या सरकार, किसी भी सरकार ने ऐसा सोचा, केंद्र हो राज्य हो, आपको डबल इंजन चाहिए सिंगल इंजन चाहिए, किसी ने भी ये सोचा इसका सॉल्यूशन क्या, इसका सॉल्यूशन अटल सरकार में ये बात आई थी कि नदियों को जोड़ा जाए, क्योंकि कुछ इलाका जो है बाढ़ में डूब जाता है, कुछ जो है कई सारे तकनीकी वो हैं, तो वहीं आप उस मुद्दे पर डिबेट कीजिए, अटल जी की परियोजना थी उसको आगे बढ़ाइए, उस पर कहाँ तक काम हो सकता है, कितना पॉसिबल है, कितना प्रैक्टिकल है, उस पर नदी जोड़ो परियोजना जो थी ना उस पर कई पर्यावरणविदों की आपत्तियाँ हैं। अब मैं एक एक शब्द में बस एक एक जी 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 ऐड करना चाह रहे हैं, मेरा ये कहना है ना कि आजकल जो है यूथ भी फैक्ट चेक नहीं करते हैं, मतलब कई सारी चीज़ें जो गलत करते हैं, अभी हम अल्ट न्यूज पर देख रहे थे जो फैक्ट चेक करने की इंडिया में
ऑफिशियल है उसमें हम देख रहे थे कि मतलब एक तरह से जो सर्टिफाई किए गए हैं बाहर से जो सर्टिफाई किए हैं सर्टिफाई करने के लिए उसमें देख रहे हैं मैम कि मस्कूर उस्मानी जिनको अभी जाले कॉन्स्टिट्यूएंसी से कांग्रेस बनाई है उस पर आज तक पे जो भी हैं वो फॉल्सली क्लेम दिया हुआ है कि फॉल्सली क्लेम किया गया है कि उन्होंने जिन्ना के पोर्ट्रेट को एमयू में लगाया जबकि वो आज़ादी से पहले वहाँ पे पोर्ट्रेट लगा हुआ है। वो जिन्ना वाला मुद्दा जो है ना जिन्ना के पोर्ट्रेट वाला मुद्दा वो पहले भी वो कि जिन्ना के समर्थक है टाइप जो भी है पोर्ट्रेट उन्होंने लगाया है जबकि वो लगा हुआ तो नहीं हटेगा बात इस पे नहीं मामला था उसको तूल देने का कि नहीं हटेगा नहीं जो दंगल हुआ उसमें ये कहा गया ना कि जिन्ना के पोर्ट्रेट को उसने लगाया जबकि ये फॉल्सली क्लेम्ड है बिल्कुल वहाँ पे जी जेएनयू में लगा हुआ है काफी समय से वो जेएनयू कह रही हूँ वहाँ पे एएमयू में जी एक एक मैं पूछूंगी आप बस एक शब्द में बताइएगा कि बिहार के क्या पॉइंट बस बस आप इसको रैप करते हैं है ना वरना बातों का कभी अंत नहीं हो सकता हाँ कि एक एक शब्द में कि बिहार के लिए क्या होना चाहिए आप क्या उम्मीद करते हैं जैसे रोजगार एक शब्द है ना तो रिपीटेशन ना हो आपको लगता है कि क्या चीज़ें हैं जो वो होनी चाहिए क्या होना चाहिए बिहार के लिए क्या मुद्दा है बड़े बड़े बिहार के लिए एक मुद्दा बताइए बेसिक एजुकेशन बहुत रफ है बिहार में अगर भागलपुर स्पेसिफिक बात करें तो बुनकरों के लिए कुछ नहीं हो रहा है सिल्क सिटी होने के बावजूद भी उनके लिए रोजगार बुनकर भागलपुर स्पेसिफिक मैम सबसे पहले स्टेट को रेवेन्यू चाहिए रेवेन्यू के लिए टूरिज्म में बिहार में इतना स्कोप है करने के लिए लेकिन टूरिज्म के क्षेत्र में कुछ काम नहीं हो रहा है यूपी में जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज आई है इस बीच में तो वो भी तो लैंडलॉक ही है तो बिहार भी है तो इस हिसाब से यहाँ भी होना चाहिए इंडस्ट्रीज जो गवर्नमेंट ने कदम उठाए अच्छे हैं उस जो उनसे गलती हुई जो भी अगला गवर्नमेंट होता है वो उस पर ध्यान दे जैसे हेल्थ एसेंशियल चीज है हमें हेल्थ चाहिए हायर एजुकेशन चाहिए क्योंकि हमें बाहर ना कोटा पटना से कोटा ना जाना पड़े दिल्ली ना जाना पड़े अहमदाबाद ना जाना पड़े हम अपने यहाँ भी एजुकेशन हाँ आई थिंक करप्शन भी कम होना चाहिए क्योंकि एक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में हमको अलग से पैसा देना पड़ता है और ये भी एक इशू होना चाहिए कि मतलब यहाँ पे करप्शन मेरे लिए एक और इशू है किसान का जो अभी एमएस बिल आया था उसका बिहार से कुछ भी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा ना हमारे यहाँ मंडी सिस्टम है जब से आई मंडी सिस्टम वो नहीं है ना एमएसपी पे खरीदारी करती है सरकार हम खुद की हमारे यहाँ खेती होती है पर कोई भी किसान के लिए जो है एमएसपी पे कोई भी खरीदारी नहीं होती ये भी हमारे लिए किसानों के लिए करना चाहिए बिहार की इकोनॉमी वैसे भी कृषि आधारित है कृषि का काफ़ी बड़ा हिस्सा है एक शब्द में बिहार में जैसे कि अभी देखा रहा है सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट को जैसे कि पटना है पटना ही में वहाँ पटना मेट्रो तक पहुँच चुकी है बट एक हमारा भागलपुर मुजफ्फरपुर जैसे सिटीज़ हैं यहाँ रेलवे तक ठीक से अभी नहीं चल रही है बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट को नहीं सारे डिस्ट्रिक्ट को सिर्फ पटना केंद्रित न हो काम बाकी जगहों का भी वो मिले संसाधनों में बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स बंद होना चाहिए क्योंकि वो कुछ रीजनल पार्टीज़ को सिर्फ स्ट्रांग कर रही है बेसिक कोई फर्क ला नहीं पा रही है कास्ट पॉलिटिक्स बंद होनी चाहिए शिक्षा का व्यवस्था सुधरना चाहिए आप जैसे विश्वविद्यालय तिलका मांझी विश्वविद्यालय का ले लें उसके अंदर लगभग 100 कॉलेजेज आती है लेकिन अभी बीएचयू में बीकॉम एमकॉम एमए के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है तो वहाँ पर काउंसलिंग बच्चों ने काउंसलिंग तक करवा लिया है और वहाँ कॉलेज का कहना है कि दिसंबर तक आप अपना मार्कशीट लेकिन यहाँ पर बीएचयू में ये तिलका मांझी में क्या उसमें अभी एग्जाम भी नहीं हुआ और दिसंबर तक कोई भी चांसेस नहीं है कि बच्चा अपना मार्कशीट यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन मतलब एजुकेशन तमाम तरह के बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी को ले लीजिए कहीं पर भी व्यवस्था अच्छी नहीं समय से परीक्षाएं समय से फॉर्म भरे जाएं रिजल्ट आए है ना जी पढ़ने के लिए बाहर न जाना पड़े मेरा एक ही पॉइंट है कि अंधभक्त खत्म हो जाएगा देश और राज्य सब तरक्की करेगा अभी अंधभक्त अंधभक्त मतलब अच्छा। कि हम बीजेपी के हैं चाहे वो गलत भी काम करेगा ना फिर भी सपोर्ट करेंगे उनके तो उनका क्या होता है कि वो गलत काम गलत ही करते रहेंगे वो सही नहीं करेंगे अब राजस्थान में जाओ मैं हर एक 5 साल में चेंज होता है वो काम नहीं करेगा चेंज करो यहाँ पे भी वही अंधभक्त खत्म हो जाएगा ना तो काम यहाँ पे क्या पूरे देश का जो उत्थान होता है वो हो जाएगा यहाँ होता है क्या 1 साल 5 साल का दिया 5 साल में वो मस्ती से काम किए क्योंकि आपका माइंड तो जो उनके सपोर्टर है उनको तो वो गलत भी करेंगे फिर भी लगता है वो सही है तो ये ध्रुवीकरण तो कुछ स्पेशल दे आते हैं क्या जो अंधभक्त ह्यूमन नेचर पता नहीं इतना ध्रुवीकरण क्यों हो गया माइंड क्यों नहीं लोगों का खुल रहा है और मतलब क्या बोलते हैं उसको कॉम्प्लेक्स कर रहा है मतलब जो एक बार सोच लिया मुझे ऐसे ही चलना है यही आदमी करेक्ट है उसको जिंदगी भर बोल देंगे ये करेक्ट ही है चाहे वो मोदी हो या कांग्रेस में राहुल गांधी हो राहुल गांधी को लोग सोच रहे हैं कि ये कांग्रेस के हैं ये ठीक है लेकिन वो एक्चुअल में ठीक नहीं है कभी कभी कुछ सही करते हैं तो उसको नहीं भाई दूसरे को चूज करो ना उसको जो काम करेगा उसको चूज करो जैसे मैं बताता हूँ यूपी में अखिलेश यादव हैं बहुत अच्छे नेता हैं और फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर मेरा आज का ये अखिलेश कुमार यादव जो है फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर वो है मेरा जो डेटा एनालिसिस है
उसके बाद यहाँ जो बिहार में है चिराग पासवान, वो भी अच्छे नेता हैं, वो भी फ्यूचर में अच्छा काम करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का ही होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा चीज यही हम देख रहे हैं, सब बेरोजगारी के कारण ही आपके पास। आप लोग कितने सालों से अपने घर से बाहर सब लोग पढ़ ही रहे ना, आप लोग कितने साल से अपने घर से बाहर रह रहे हैं बिहार में? एक एक करके बस मुझे इसका बस एकदम ब्रीफ जवाब, कितने साल से बाहर? 6 साल से। आप? 7 साल से। आप? 6 साल। आप? घर यही रहते हैं? 3 साल से। 3 साल। आप? 8 साल से। 8 साल। मैं यहीं रहता हूँ। 3 साल। 3 साल। 8 साल। मैं तो 20 साल से। 20 साल। ये पढ़ाई नौकरी इन्हीं सब वजहों से आप लोगों को बाहर जाना पड़ा। ये था, क्या था नाम पाका? जयप्रकाश नारायण कॉम्प्लेक्स, हाँ, स्टेंस हाँ, सैंडिस कंपाउंड। इतनी सारी लंबी बातचीत हुई, पार्क का नाम ही भूल गए। हाँ, तो ये थे बिहार के युवा। एक चीज़ आपने नोट की, ये पहला ग्रुप कन्वर्सेशन है हमारा जब से हम बिहार में आए हैं, जहाँ हर एक इंसान, आपको यहाँ पे कोई भी एक इंसान नहीं मिलेगा जिसके मुँह पर मास्क नहीं हो, है ना? तो ये एक अच्छी चीज़ थी। बहुत सारी चीज़ों पर बात की, देश दुनिया की पॉलिटिक्स से लेकर बिहार में निजी ये स्थानीय स्तर पर क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं। और भी जगहों पर जाएंगे, और भी लोगों से बात करेंगे। ये क्या चिपक रहा है? हाँ, और भी जगहों पर जाएंगे, और भी लोगों से बात करेंगे, भागलपुर के और भी चेहरे आपको दिखाएंगे। कैसी लगी इन युवाओं की बातचीत आपको, हमें कमेंट करके बताइएगा। कुछ चीज़ें पॉइंट आपने देखा, हमने इसीलिए एक बार एक एक करके पूछा मुद्दों के, और कितने साल से बाहर रह रहे हैं। ठीक है, ये फंस रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कैमरे के इस तरफ मैं, कैमरे के इस तरफ मैं, कैमरे के उस तरफ अमितेश मेरे साथ।